Starting the recording. Okay. Yes, come on everybody. Everybody, come on. सबसे पहले अगर हम बात करें एकदम फुल फोकस पूरी शिद्दत के साथ हाथ मतलब सामने आपके नोट्स होने चाहिए. चलिए हाँ ना ओके. तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों कॉन्सेंट्रेट करना. सबसे पहले यार एंटिटीज नॉट एलिजिबल टू मेक आईपीओ और एफपीओ. कौन सी एंटिटीज है जो आईपीओ और एफपीओ नहीं ला सकती. एकदम पूरी शिद्दत के साथ ध्यान से सुनिएगा. सबसे पहले इश्यूअर प्रमोटर प्रमोटर ग्रुप सेलिंग शेयर होल्डर आर डिबार्ड फ्रॉम दी एक्सेसिंग द कैपिटल मार्केट. पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू की अगर हम बात करें दोस्तों कॉन्सेंट्रेट करना. प्रमोटर डायरेक्टर और डायरेक्टर डायरेक्टर हु इज ऑल्सो अ प्रमोटर या फिर डायरेक्टर ऑफ एनी अदर कंपनी हु इज डिबार्ड फ्रॉम दी व्हाट बेटा एक्सेसिंग द कैपिटल मार्केट. करेक्ट यहाँ तक बात सुनो. थर्ड वन की अगर हम बात करें थर्ड वन इश्यूअर प्रमोटर डायरेक्टर आर विलफुल डिफॉल्टर. इश्यूअर प्रमोटर और डायरेक्टर जो है वो क्या है दोस्तों आपके विलफुल डिफॉल्टर है. फोर्थ वन प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ इश्यूअर इज अ फिगरेटिव ऑफेंडर. फिगरेटिव ऑफेंडर मतलब क्या होता है. फिगरेटिव ऑफेंडर मतलब भगोड़ा जिसको हम बोलते हैं. हाँ है ना. नेक्स्ट वन उसके बाद में अगर मैं बात करूँ बेटा उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हम लोग देख रहे थे उसके बाद में फिफ्थ वन आउटस्टैंडिंग कन्वर्टिबल सिक्योरिटी जो है. अगर कोई आउटस्टैंडिंग कन्वर्टिबल सिक्योरिटी है तो उसका कन्वर्जन होना क्या है बहुत जरूरी है. उसका क्या होना जरूरी है बेटा. कन्वर्जन होना बहुत जरूरी है. करेक्ट यहाँ तक बात सुनो. ये कुछ कंडीशन हम लोगों ने देखी थी. ये कुछ कंडीशन हम लोगों ने देखी थी कि अगर आपको लेके आना है पब्लिक इशू तो ये कंडीशन आपको फॉलो करना पड़ेगा. सही बात है क्या. चलिए एक बार और इसको रिवाइज करेंगे है ना. डबल टाइम रिवीजन और एक बार आप घर पे पढ़ोगे तो तीन बार रिवीजन होगा. और तीन बार होने के बाद में भी अगर आप भूल जाओ तो अपने सर को दीवार पे जोर से गिराना. दीवार तोड़ देना बेटा या तो सर फोड़ देना. कुछ तो तूफानी कर देना आज. चलिए फर्स्ट वन इश्यूअर प्रमोटर ग्रुप सेलिंग शेयर होल्डर आर डीबार फ्रॉम द एक्सेसिंग द कैपिटल मार्केट. पॉइंट नंबर टू सेकंड वन इज व्हाट बेटा आपका प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ इश्यूअर इज अ प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ एनी अदर कंपनी हु इज डिबार्ड फ्रॉम द एक्सेसिंग द कैपिटल मार्केट. थर्ड वन इश्यूअर प्रमोटर डायरेक्टर आर विलफुल डिफॉल्टर. फोर्थ वन प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ इश्यूअर इज फिगरेटिव ऑफेंडर. एंड लास्ट वन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इज कन्वर्टेड है ना इज आउटस्टैंडिंग फॉर कन्वर्जन. सर ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए. नहीं ऑडियो मैं सेपरेट ही रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि इसमें ना रिवीजन दो दो बार तीन तीन बार होगा तो ऑडियो भी बड़ा बन जाएगा. तो ऑडियो एकदम छोटा बनाऊंगा मैं आपका है ना. एकदम छोटा बनाऊंगा. मैं सेपरेटली रिकॉर्ड करूंगा डोंट वरी बेटा. चलिए एलिजिबिलिटी नॉर्म्स फॉर आईपीओ की अगर हम बात करें. अगर आईपीओ अगर लेके आना है आईपीओ कौन लेके आती है. अनलिस्टेड कंपनी लेके आती है. यस और नो. तो आईपीओ लाने के एलिजिबिलिटी नॉर्म्स क्या है. क्या क्या कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी. तो यारह फोर कंडीशन आपको फॉलो करनी है. कितनी कंडीशन फॉलो करनी है. फोर कंडीशन. पहला आपका नेट टेंजिबल एसेट आपका एटलीस्ट कितना होना चाहिए. तीन करोड़ का होना चाहिए. नेट टेंजिबल एसेट आपका एटलीस्ट कितने करोड़ का होना चाहिए. तीन करोड़ का होना चाहिए इन ईच ऑफ प्रीसीडिंग थ्री फुल फाइनेंशियल ईयर जिसके अंदर मैक्सिमम 50% कैन बी हेल्ड एज ए मॉनेटरी एसेट. 50% से ज्यादा नहीं चलेगा. मॉनेटरी एसेट 50% तक चल जाएगा. 50% से ज्यादा नहीं चलेगा. अच्छा 50% से ज्यादा है तो आपको अश्योर करना पड़ेगा. पॉइंट नंबर वन क्या अश्योर करना पड़ेगा कि आप फर्म कमिटमेंट देना है कि उस पैसे को मैं यूटिलाइज करूंगा फॉर द पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट ओनली या फिर इशू आ रहा ऑफर फॉर सेल के थ्रू तो ये 50% से ज्यादा भी कैश चल जाएगा. क्लियर है यहाँ तक. सुनो सेकंड वन अगर हम बात करें तो मिनिमम एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है. मिनिमम एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट शुड बी एटलीस्ट 15 करोड़ इन ईच थ्री फुल फाइनेंशियल ईयर तीन सालों में. करेक्ट यहाँ तक बात. सुनो हाय ना कमन एवरी पड़ी. करेक्ट है कि नहीं है बताओ जल्दी से. तो सिर्फ आपका क्या होना चाहिए. बिल्कुल होना चाहिए. तो एवरेज प्रॉफिट कितना होना चाहिए 15 करोड़ का होना चाहिए है ना. फिर हर साल में प्रॉफिट होना चाहिए. कोई भी साल में लॉस नहीं चलेगा. थर्ड वन नेटवर्थ ऑफ एटलीस्ट 1 करोड़ इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग थ्रू थ्री फुल फाइनेंशियल ईयर. नेटवर्थ कितना होना चाहिए 1 करोड़ का होना चाहिए. एंड द फोर्थ पॉइंट इज व्हाट बेटा अगर नाम चेंज हुआ इन केस ऑफ चेंज ऑफ नेम ऑफ द कंपनी इन लास्ट वन ईयर तो एटलीस्ट 50% ऑफ द रेवेन्यू शुड बी कम फ्रॉम द न्यू नेम और न्यू एक्टिविटी सजेस्टेड अंडर न्यू नेम. करेक्ट है. फोर कंडीशन गो फॉर इट. जल्दी से एक एक बार वापस से करेंगे. सबसे पहले क्या है अब शॉर्ट में करेंगे. सबसे पहले क्या है नेट टेंजिबल एसेट कितना होना चाहिए 3 करोड़ का होना चाहिए. फिर क्या है प्री एवरेज ऑपरेटिंग टैक्स प्रॉफिट. प्री मिनिमम एवरेज ऑपरेटिंग टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होना चाहिए 15 करोड़ का होना चाहिए. कोई भी साल में लॉस नहीं होना चाहिए. थर्ड वन नेटवर्क कितने करोड़ का होना चाहिए 1 करोड़ का होना चाहिए. एंड फोर्थ वन अगर नाम चेंज हुआ तो 50% जो रेवेन्यू है वो नए नाम से आनी चाहिए. ये चार कंडीशन थी आपकी आईपीओ के लिए. एफपीओ में एक ही कंडीशन है बेटा. एफपीओ में लाइफ इज इजी.
लाइफ बिकम्स इजी एफयू में एक ही कंडीशन है, कौन सी वाली, अगर नाम चेंज हुआ है तो एटलीस्ट 50% रेवेन्यू शुड बी कम आउट ऑफ द न्यू नेम। अच्छा अब यार देखो यार नए ये तो मेन कंडीशन है, अगर आप मेन कंडीशन फॉलो नहीं करते हो तो आप आते हो अल्टरनेटिव एलिजिबिलिटी नॉर्म्स के अंदर। कहां जाते हो? अल्टरनेटिव एलिजिबिलिटी नॉर्म्स के अंदर आ जाते हो। व्हाट डू यू मीन बाय अल्टरनेटिव एलिजिबिलिटी नॉर्म्स? तो आप जब मेन कंडीशन फॉलो नहीं करते हो तो अल्टरनेट रूट से आप फंड रेज कर सकते हो। कहां से फंड रेज कर सकते हो बोलो बेटा? अल्टरनेट रूट से आप फंड रेज कर सकते हो। और अल्टरनेट रूट से जब आप फंड रेज करोगे, कम ऑन एवरीबॉडी, अल्टरनेट रूट से अगर आप फंड रेज करोगे तो आपका सबसे पहले इशू किसके थ्रू आना चाहिए? बुक बिल्डिंग मेथड के थ्रू आना चाहिए। एंड 75% ऑफ द इशू शैल बी, कम ऑन एवरीबॉडी, 75% कैसा होना चाहिए? क्यूआईबी को देना, मिनिमम 75% क्यूआईबी को देना है। क्लियर है? आते के बाद ये सुनो। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें तो यार भैया आपने ना सुपीरियर वोटिंग राइट्स इशू किए। व्हाट डू यू मीन बाय सुपीरियर वोटिंग राइट्स? सुपीरियर वोटिंग राइट्स का मतलब ये होता है कि भाई साहब आपके पास है ना वोटिंग राइट्स जो है ना, मतलब आपके पास जो शेयर्स है ना उनको मिनिमम 2 वोट्स है, मैक्सिमम 10 वोट्स है, उसको बोलते हैं सुपीरियर वोटिंग राइट्स। है ऑर्डिनरी शेयर्स लेकिन वोटिंग में इनको क्या है, एक्स्ट्रा वोट मिलता है, इनको बोलते हैं सुपीरियर वोटिंग राइट्स। तो अगर कोई कंपनी है जो पब्लिक इशू लेके आ रही है जिन्होंने ऑलरेडी सुपीरियर वोटिंग राइट्स शेयर्स इशू किए हैं तो क्या कंडीशन उनको है? कंडीशन नंबर वन, आपने शेयर्स जो है, पहली बात तो आप वो कंपनी है, आईपीओ आ रहा है ऑर्डिनरी शेयर्स का, आईपीओ आ रहा है ऑर्डिनरी शेयर्स का, लेकिन आपने ऑलरेडी क्या इशू करके रखा है, आपने एसआर शेयर्स इशू करके रखा है। तो कंडीशन क्या है? तो आपने एसआर शेयर्स किसको दिया? पहला पॉइंट, एसआर शेयर्स आपने किसको दिया? तो कंपनी इन्वॉल्व इन टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर आपका इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी। इसमें पॉइंट नंबर टू, जिसको आपने एसआर शेयर्स दिए वो प्रमोटर ग्रुप का जो नेटवर्क है शल नॉट एक्सीड 500 करोड़। अच्छा जब ये नेटवर्क कैलकुलेट करो ना तो एसआर शेयर्स है ना वो काउंट करना नहीं है, जितने के एसआर शेयर्स उनके पास है वो आपको काउंट करना नहीं है। थर्ड वन, एसआर जो है वो प्रमोटर जो भी है वो एग्जीक्यूटिव पोजीशन में होनी चाहिए। कंपनी के कौन सी पोजीशन में होनी चाहिए यार? एग्जीक्यूटिव पोजीशन में वो होनी चाहिए। करेक्ट है? आते के बाद सुनो, जब भी आपने एसआर किया होगा, मतलब सुपीरियर वोटिंग राइट्स आपने एसवी किया होगा, तो आपने स्पेशल रेजोल्यूशन आप लोगों ने पास किया होगा। करेक्ट है? अच्छा, एसआर इक्विटी शेयर्स जो है वो मिनिमम होल्डिंग कितना है? 6 मंथ्स प्रायर टू फाइलिंग आरएचपी, मतलब जब आप नॉर्मल इशू लेके आ रहे हो ना उसके पहले 6 महीने आपकी होल्डिंग होनी चाहिए एसआर की। ठीक है, रेशियो मिनिमम 2 वोट मैक्सिमम 10 वोट होने चाहिए। एसआर शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर्स ही है, सिर्फ वोटिंग में एक्स्ट्रा है। क्या एसआर को हम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के लिए काउंट करेंगे? आंसर इज प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के लिए काउंट करेंगे। सर एसआर शेयर्स कब तक लॉक इन होगा? तो लॉक इन टिल द कन्वर्जन इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स और पीरियड स्पेसिफाइड व्हिचएवर इज लेटर। समझो हमने पीरियड स्पेसिफाई किया 5 साल, ठीक है, कन्वर्जन हो रहा 3 साल, तो 5 साल तक वो लॉक इन में होंगे। ठीक है, पीरियड स्पेसिफाई किया 2 साल और बेटा आपका कन्वर्जन हो रहा 4 साल में, तो 4 साल तक ये क्या होंगे आपके लॉग इन होंगे। एंड लास्ट वन, इंटर से ट्रांसफर इज नॉट अलाउड। चलिए वन बाय वन, कम ऑन एवरीबॉडी, एक बार फिर से शिद्दत के साथ सारी कंडीशन को रिकलेक्ट करिएगा। चलिए सबसे पहली कंडीशन शॉर्ट में कलेक्ट करें। सबसे पहली कंडीशन क्या है? एसआर शेयर्स जिसको आपने इशू किए हैं वो कौन सी कंपनी है? भैया वो टेक्नोलॉजी में कंपनी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी, ऐसी कंपनीज में है। चलिए सर ये तो बात समझ में आ गई सर। सेकेंड वन, आपने जिनको एसआर शेयर्स दिए हैं मुन्ना, आपने जिनको एसआर शेयर्स दिए हैं वो एसआर शेयर्स जो है, देखो आपके सामने ना हैंड रिटन नोट्स लगाता हूं मैं, है ना, हैंड रिटन मतलब आपका जो समरी है, जो हैंड रिटन मैंने आपको लिखवा के दिए वो भी सामने ले लेता हूं ताकि थोड़ा सा आपको ना ठीक लगेगा। चलिए नेक्स्ट वन अगर हम बात करें बेटा, नेक्स्ट कंडीशन देखिए, उसके बाद की जो कंडीशन है एसआर की कंडीशन देखिए क्या है। तो किसको आपने इशू किया है? प्रमोटर को इशू किया या प्रमोटर ग्रुप को इशू किया, उनका नेटवर्क जो है वो 500 करोड़ से ज्यादा होना नहीं चाहिए। फिर बोला एसआर शेयर्स इशू टू प्रमोटर जो कंपनी के अंदर एग्जीक्यूटिव पोजीशन में है। फिर बोला स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, मिनिमम 2 वोट मैक्सिमम 10 वोट। एसआर शेयर्स आर इक्विवेलेंट टू ऑर्डिनरी शेयर्स एक्सेप्ट वोटिंग पावर। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में ये क्या होगा यार, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में बिल्कुल ये काउंट होने वाला है। फिर बोला एसआर इक्विटी शेयर शैल बी काउंटेड फॉर कैलकुलेटिंग, ठीक है। लॉक इन का रिक्वायरमेंट बताइए, लॉक इन कब तक होगा? टिल द कन्वर्जन और द डेट स्पेसिफाइड व्हिचएवर इज लेटर। ओके, इंटर से ट्रांसफर इज नॉट अलाउड। एसआर शेयर्स का इंटर से ट्रांसफर करना, इंटर से मतलब एक प्रमोटर दूसरे प्रमोटर को देना इज नॉट अलाउड। चलिए इशू ऑफ वारंट, वारंट का मतलब क्या होता है? वारंट का मतलब होता है शेयर्स के साथ आप क्या करते हो, एक या एक से ज्यादा सिक्योरिटी क्या करते हो, अटैच करते हो, उसको हम लोग बोलते हैं वारंट, ठीक है ना। एक या एक से ज्यादा आप क्या करते हो, सिक्योरिटी अटैच करते हो ना, उसको बोलते हैं वारंट। बेटा लेक्चर में हूं। सो अब वारंट की अगर हम बात करें तो वारंट का मैक्सिमम टर्म कितना हो सकता है? 18 मंथ्स। मतलब जब आप वारंट इशू करोगे तो वो 18 महीने के अंदर किसमें कन्वर्ट हो जाना चाहिए? इक्विटी शेयर्स के अंदर
अंदर या शेयर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। आप वन और मोर वारंट अटैच कर सकते हो टू द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, मतलब इक्विटी शेयर्स या कन्वर्टेबल सिक्योरिटी के साथ आप वारंट अटैच कर सकते हो। अच्छा, प्राइस जो है वारंट का जो कन्वर्जन प्राइस वगैरह है वो क्या आपका ऑफर डॉक्यूमेंट में डिस्क्लोज करना है? बिल्कुल डिस्क्लोज करना है। और एटलीस्ट 25% ऑफ द 25% ऑफ द इशू प्राइस, जो भी वारंट का इशू प्राइस होगा वो अप फ्रंट एडवांस में लेना है। कितना? 25% एडवांस में लेते हुए चलना है। क्लियर है यहां तक? बाकी सुनो, नेक्स्ट वन, इफ होल्डर, अगर होल्डर जो है होल्डर ऑफ वारंट डज नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन, वो अगर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करता है विद इन 3 months, देन सच वारंट शैल बी फॉरफिटेड। तो वो वारंट को क्या कर दिया जाएगा यार? फॉरफिट कर दिया जाएगा। मतलब जब कन्वर्जन की बारी आएगी तो कंपनी पूछेगा, अरे भैया कन्वर्ट कर लो ना बाबू, कन्वर्ट कर लो ना। तो विद इन 3 months अगर आपने कन्वर्ट नहीं किया तो इट विल बी कम ऑन एवरीबॉडी, क्या हो जाएगा भैया? प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका पैसा फॉरफिट कर लिया जाएगा। चलिए कुछ जनरल कंडीशन है। सबसे पहले मुझे बताओ, कभी भी आप आईपीओ या एफपीओ लेके आ रहे हो? आईपीओ या एफपीओ लेके आ रहे हो? चलो एक बार और रिवाइज, मैंने बोला ना इस बार ये डबल रिवीजन होगा। ये कैसा रिवीजन होगा मुन्ना? डबल रिवीजन होगा। चलिए, इशू ऑफ वारंट टर्म शैल नॉट एक्सीड 18 months, वन और मोर वारंट कैन बी अटैच विद दी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, प्राइस कहाँ डिस्क्लोज होगा? ऑफर डॉक्यूमेंट में डिस्क्लोज होगा। कितना पैसा एटलीस्ट एडवांस में लेना? 25% पैसा एडवांस में लेना। कन्वर्जन का जब ऑप्शन आएगा तो, सॉरी कन्वर्जन बोल रहा हूँ, ऑप्शन एक्सरसाइज करने की बारी आएगी तो कितने मंथ्स के अंदर ऑप्शन एक्सरसाइज करना? विद इन 3 months के अंदर ऑप्शन एक्सरसाइज करना, अदरवाइज आपका पैसा क्या हो जाएगा? फोरफिट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? चलिए नेक्स्ट। उसके बाद में बोला था कुछ जनरल कंडीशन है आईपीओ और एफपीओ लाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले आपको वन और मोर रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को इन प्रिंसिपल अप्रूवल देना पड़ेगा, इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम वन और मोर रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। एंड अगर एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज को आपने क्या किया है बाबू, वन और मोर रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ज्यादा को अगर आपने आप लिस्ट करवाना चाहते हो तो उसमें से एक चूज करिए, डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज। क्या चूज कर लीजिए यार? डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज। फिर बोला आपको एग्रीमेंट करना विद द डिपॉजिटरी। क्या एग्रीमेंट करना? डिपॉजिटरी के साथ भैया आपको क्या कर लेना? एग्रीमेंट कर देना है। फिर अगर पार्टली पेडअप शेयर्स है तो उसको फुल्ली पेडअप में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ओके, इस पे केस स्टडी आ सकता है। इस पे थोड़ा सा क्या करना चाहूंगा मैं, थोड़ा सा और ज्यादा मैं इस पे डिटेल बात करना चाहूंगा कि जितना भी इशू साइज है उसका 75% पैसा उस प्रोजेक्ट के लिए ही लगाना है जिसके लिए आप फंड रेज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हमारी यूनिक अकेडमी है, ठीक है, हम लोग फंड रेज कर रहे हैं, ठीक है, फॉर टीचिंग पर्पज, फॉर एजुकेशन पर्पज। तो जितना भी हम फंड रेज करेंगे, इससे फॉर एग्जाम्पल वी आर रेजिंग 1000 करोड़, 1000 करोड़ रुपीस हम लोग रेज कर रहे हैं, तो 75% उसका, मतलब 1000 का 75%, मतलब 750 करोड़ रुपीस जो है वो हमें एजुकेशन के लिए लगाना है। 25% कैन बी यूज फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। इससे केस स्टडी आ सकती है, इससे केस स्टडी आ सकती है। तो वो ध्यान से सुनिएगा, 75% किसके लिए लगाना है यार? 75% किसके लगाना है? 75% करना है प्रोजेक्ट के लिए, 25% जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए हो सकता है। ओके सर, अब अगर एडिशनल कंडीशन है फॉर ऑफर फॉर सेल, अगर ऑफर फॉर सेल के थ्रू आ रहा है, ऑफर फॉर सेल मतलब क्या होता है कि जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से शेयर्स लेके नए लोगों को दिए जाते हैं, जैसे LIC कंपनी ऑफर फॉर सेल लेके आ रही है, LIC में गवर्नमेंट की होल्डिंग है तो गवर्नमेंट अपने शेयर्स बेच रही है पब्लिक को ताकि गवर्नमेंट को पैसा मिल जाए, गवर्नमेंट को क्या मिल जाए? पैसा मिल जाए। दिस इज व्हाट बेटा आपका ऑफर फॉर सेल। तो जब ऑफर फॉर सेल आएगा तो याद रखना होल्डिंग पीरियड कितना है, ऑफर फॉर सेल लाने के पहले का होल्डिंग पीरियड कितना है, 1 ईयर का आपका क्या होना चाहिए, होल्डिंग पीरियड होना चाहिए। करेक्ट है? आपको सुनो, फिर बोला होल्डिंग पीरियड शैल बी रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। करेक्ट है कि भाई साहब होल्डिंग पीरियड शैल बी रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। जब आप ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करो ना उस टाइम पे आपको 1 साल आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए होल्ड करके। फिर बोला कन्वर्जन शुड बी कंप्लीटेड बिफोर फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। अगर कोई सिक्योरिटी कन्वर्टेबल है, आउटस्टैंडिंग है तो उसको पहले कन्वर्ट कर दीजिए, फिर आप इशू लेके आइए। क्या बात है? ओके सर, ऑफर फॉर सेल किसको एप्लीकेबल नहीं है? तो गवर्नमेंट कंपनी अगर शेयर्स वगैरह बेचती है तो उनको ये एडिशनल कंडीशन आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। या मर्जर और अमलगमेशन में शेयर्स बिकते हैं तो भी आपको एडिशनल कंडीशन की जरूरत नहीं है, या बोनस से आते हैं तो। चलिए अब हम बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ व्हाट पब्लिक इशू, पब्लिक इशू लाने का प्रोसीजर के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं, एकदम गौर फरमाइएगा। अच्छा, उसके पहले एक बार जनरल कंडीशन को फिर से एक बार रिवाइज कर लें जल्दी से। बताइए, एप्लीकेशन करना कम ऑन एवरीबॉडी, वन और मोर रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, एप्लीकेशन टू वन और मोर रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज फॉर व्हाट, इन प्रिंसिपल अप्रूवल, एंड चूज वन ऑफ देम एज अ व्हाट, डेजिग्नेटेड, चूज वन ऑफ देम एज अ व्हाट बेटा, डेजिग्नेटेड रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। आपको एग्रीमेंट करना विद द व्हाट बेटा, डिपॉजिटरी के साथ एग्रीमेंट करना है। पार्टली पेड अप अगर शेयर्स है तो उसको फुल्ली पेड अप शेयर्स में कन्वर्ट करिए। 75% ऑफ टोटल इशू साइज, कितना? 75% ऑफ द टोटल इशू साइज जो है वो आपका यूटिलाइज होना चाहिए फॉर दिस स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट के लिए। करेक्ट है? 25% जो है वो आपको अदर प्रोजेक्ट के लिए, आप मतलब मार्केटिंग के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए 25% इतना लगा सकते हो। ओके,
ऑफर फॉर सेल में शेयर्स फुली पेड अप होनी चाहिए, आपका मिनिमम होल्डिंग पीरियड 1 साल का होना चाहिए, और अगर कोई कन्वर्जन है बाकी तो उसको पहले कन्वर्ट करिए, फिर आप ऑफर फॉर सेल लेके आइए। चलिए प्रोसीजर फॉर पब्लिक इशू। सबसे पहले आप क्या करिएगा, मर्चेंट बैंकर को, लीड मर्चेंट बैंकर वगैरह को अपॉइंट करिएगा। याद रखिएगा, अगर एक से ज्यादा मर्चेंट बैंकर है तो एक को हम लीड मैनेजर बोलते हैं और बाकी के को मैनेजर बन जाते हैं। एक तो भी मर्चेंट बैंकर ऐसा होना चाहिए विच इज नॉट एसोसिएटेड विद द कंपनी, जो कंपनी के साथ एसोसिएट नहीं है। जितने भी मर्चेंट बैंकर है देयर शुड बी रजिस्टर्ड विद द सेबी, वो सेबी के साथ क्या होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अच्छा, एग्रीमेंट करना विद द सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक जो आसबा फैसिलिटी देती है। अब ये आसबा आपको अभी समझ नहीं आया होगा, मुझे पता है, ठीक है, ये आने वाले चैप्टर में हम समझेंगे, लेकिन बैंक के साथ आपको एग्रीमेंट करना है, ठीक है। फिर रजिस्ट्रार टू रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट वगैरह है, बैंकर वगैरह है, उनको क्या करना, उनके साथ भी एग्रीमेंट करना, मतलब इन सब इंटरमीडियरी जो जो इंटरमीडियरी का हमें लगने वाली है ना इशू के लिए, जो जो इंटरमीडियरी लगने वाली है इशू के लिए, उन सबको क्या कर लीजिए यार, अपॉइंट कर लीजिए। सेकंड वाला फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, कम ऑन एवरीबॉडी, सबसे पहले हम या तो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट या आरएचपी हम किसको फाइल करेंगे, सेबी को फाइल करेंगे। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट या आरएचपी हम किसको फाइल करेंगे, सेबी को फाइल करेंगे। यस और नो, कम ऑन एवरीबॉडी, हाँ या ना। अच्छा सर ठीक है, कर दें, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लीड मैनेजर ने करना है, ड्यू डिलीजेंस करना है। लीड मैनेजर ने ड्यू डिलीजेंस करना है अबाउट दी एक्यूरेसी ऑफ व्हाट बेटा, डिस्क्लोजर, मतलब जो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट दे रहे हो उसके सारे के अंदर की सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है, ऐसा लीड मैनेजर को देखना है, पूरा चेक करना है कि हाँ, अपनी आंखें खुली रखनी है लीड मैनेजर ने कि सारे के सारे कंप्लायंसेस हुए हैं। जब आपने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल किया है तो उस टाइम पे सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने क्या करें, फॉलो करें। क्या बात है, लीड मैनेजर ने ये भी इंश्योर करना है। क्या इंश्योर करना लीड मर्चेंट बैंकर में, कि जो भी आप इंफॉर्मेशन दोगे वो एज पर लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन होनी चाहिए। अरे आज 2021 में इशू लेके आयो, इंफॉर्मेशन दिए आपने 2015 की, ये कौन सी बात होती है। आपकी इंफॉर्मेशन 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन शैल नॉट बी ओल्डर देन 6 मंथ्स, 6 महीने से ज्यादा पुरानी होनी नहीं चाहिए। जिस दिन इशू ओपन होगा उसके 6 महीने पुरानी इन्फॉर्मेशन मत दो, मतलब जो है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको अब देनी है, पुरानी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। अच्छा, जब आप ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट या ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस आप अगर सेबी को देते हो तो सेबी 30 डेज के अंदर आपको क्या करेगी भैया, कमेंट देगी। 30 डेज कब से, फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, इसको लर्न करना पड़ेगा, फ्रॉम द, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ, कम ऑन एवरीबॉडी, फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। पॉइंट नंबर 2, फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई फ्रॉम मर्चेंट बैंकर, या है ना। थर्ड वन, फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन फ्रॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी, एंड फोर्थ वन, फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज विच एवर इज लेटर। ये चारों में से जो भी बात की डेट है उससे 30 डेज के अंदर सेबी आपको क्या करेगा, कमेंट देगा, सेबी आपको बताएगा कि आपका ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस में कुछ कमी है या नहीं है। करेक्ट है, एक बार फिर से इस पॉइंट को मैं रिवाइज करवाना चाहूंगा। कम ऑन एवरीबॉडी, हमने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी को फाइल कर दिया या ड्राफ्ट आरएचपी हमने सेबी को फाइल कर दिया, सेबी 30 डेज के अंदर क्या करेगा, रिप्लाई देगा। 30 डेज कब से, पॉइंट नंबर 30 डेज कब से, पॉइंट नंबर 1, रिसिप्ट ऑफ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, पॉइंट नंबर 1, रिसिप्ट ऑफ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, पॉइंट नंबर 2, रिसिप्ट ऑफ सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई फ्रॉम मर्चेंट बैंकर, पॉइंट नंबर 3, रिसिप्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन फ्रॉम एनी रेगुलेटरी अथॉरिटी, एंड द पॉइंट नंबर 4 इज व्हाट, रिसिप्ट ऑफ कॉपी ऑफ इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अब यहां पे मैं लॉजिक वगैरह कुछ नहीं बता रहा हूं, अब यहां पे हमारा रिवीजन करने का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य यह है कि हम इसको लर्न कर लें, क्योंकि हमने बहुत लॉजिक लिए, 16-17 घंटे मैंने आपको क्या पढ़ाया है, 17 आवर्स, मुझे लगता है अराउंड 17 आवर्स जितने लेक्चर्स हमने, 16 घंटे तो कम से कम मैंने ICDR पढ़ाया आपको, समझ में आ रहा है, तकमाती के सुनो, तो हर चीज़ को हमने बहुत डिटेल में देखा लॉजिक के साथ, लेकिन यहाँ पे हमारा इंटेंशन उसको क्या है, लर्न करना है। करेक्ट है, चलिए फिर ईश्वर ने क्या करना है, कैरी आउट सच चेंजेस, मर्चेंट बैंकर ने जो जो सेबी ने चेंजेस बताए कैरी आउट करो, एंड कॉपी ऑफ ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट शैल ऑल्सो फाइल विद द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ऑल्सो प्रोवाइड सॉफ्ट कॉपी, मर्चेंट बैंकर ने 3 कॉपी कंसर्न रीजनल ऑफिस ऑफ सेबी, रीजनल ऑफिस जो है सेबी का, मतलब अगर यार आप दिल्ली में हो तो दिल्ली में जो रीजनल ऑफिस है, रीजनल मतलब एरिया ऑफिस है ना, सेबी के भारत में अलग अलग जगह क्या है आपका ऑफिस है, तो रीजनल एरिया मतलब आपके रीजन में जो आता है वहाँ पे 3 कॉपी आप वहाँ पे दे दीजिएगा, ठीक है। मर्चेंट बैंकर ने एक सर्टिफिकेट देना है, क्या सर्टिफिकेट देना है सेबी को, कि हे सेबी सुनो, कंपनी और मर्चेंट बैंकर के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, कंपनी और मर्चेंट बैंकर के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, इसको सर्टिफाई करना है, और आपको एक क्या करना है, उसको सर्टिफिकेट देना है किसको, सेबी को, ताकि सेबी निश्चिंत रहे कि हाँ हाँ इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो चुका है। करेक्ट है, तो बात सुनो, एंड लीड मैनेजर ने क्या देना है, ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट भी देना है, क्या देना है, ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट। ड्यू डिलीजेंस मतलब हमने सब कुछ चेक किया है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोस्पेक्टस फाइल करते रहे हमने, फॉलो किए हैं। अगर कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटी का इशू है, किसका इशू है, कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटी का इशू है, तो भाई साहब आपको ये भी बताना बहुत जरूरी है कि ये भी ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट किससे लेना है, डिबेंचर ट्रस्टी से भी लेना है, दो लोगों से हमें
लेना है, करेक्ट है। चलिए, ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट अवेलेबल विद द पब्लिक, एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट करना। जैसे आपने सेबी को फाइल करोगे, सेबी उसको पब्लिक कर देगा फॉर एटलीस्ट 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। जैसे आपने सेबी को फाइल किया, सेबी उसको पब्लिक कर देगा। पब्लिक कैसे करेगा? सेबी अपने वेबसाइट पर डलवा देगा, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर चले जाएगा, मर्चेंट बैंकर के इशुअर के वेबसाइट पर चले जाएगा। इशुअर भी क्या करेगा, जिस दिन इशुअर ने सेबी को फाइल किया उसके 2 डेज के अंदर अंदर क्या कर देगा बेटा, पब्लिक अनाउंसमेंट कर देगा, एक इंग्लिश पेपर में, एक हिंदी न्यूज़पेपर में, करेक्ट है। 2 दिन के अंदर, जिस दिन हमने सेबी को दिया ना, देखो हमने सेबी को दिया, सेबी पब्लिक करेगा, हमने जिस दिन सेबी को दिया ना, विद इन 2 डेज हम भी क्या करेंगे, पब्लिक अनाउंसमेंट दे देंगे। हम लोग भी क्या कर देंगे यार, पब्लिक अनाउंसमेंट करते हुए चलेंगे, वन इंग्लिश में एंड वन इज व्हाट बेटा आपका हिंदी। फिर बोला लीड मैनेजर शैल फाइल विद द सेबी, लीड मैनेजर शैल फाइल विद द सेबी डिटेल ऑफ कमेंट रिसीव्ड बाय देम। अब देखो यार, हमने जब पब्लिक किया ना तो पब्लिक तो कमेंट्स देंगे ना, तो वो कमेंट्स का डिटेल हमको किसको भेजना है, सेबी को भेजते हुए चलना है। एंड द लास्ट वन, लीड मैनेजर शैल अवेलेबल द कॉपीज ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट विद स्टॉक एक्सचेंज रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट एंड रजिस्ट्रार्स, करेक्ट। यहां तक बात सुन लो, हाँ या ना कमर एवरीबॉडी, क्लियर? यहां तक बात सुन लो, तो आपको क्या करना, लीड मैनेजर ने क्या करना, वो कॉपीज अवेलेबल करवा देनी है। चलिए एक बार वापस से रिवाइज करते हैं, ठीक है, एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। पहले सेबी वाला पॉइंट बताइए, सेबी वाला पॉइंट बताइए एकदम अच्छे से, लर्न करना एकदम अच्छी तरीके से, याद करना है। मेरा आज का इंटेंशन क्या है, आपको बताना कि रिवीजन किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से चैप्टर को रिवाइज किया जाता है। किस तरीके से चैप्टर को लर्न करना चाहिए अपने को, ठीक है। सो दो दो तीन तीन बार जब पढ़ोगे एक साथ, जब दो दो तीन तीन बार पढ़ोगे ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होएगा भैया, लर्न हो जाएगा वो, ठीक है। ऐसा दो बार रिवीजन कर दिया ना आपने, तो वो 2 टाइम्स रिवीजन नहीं है, वो 5-6 टाइम्स हो गया, क्योंकि हम दो दो तीन तीन बार पढ़ रहे हैं। एक रिवीजन में हम थ्राइस हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। चलिए एकदम आराम से कंफर्टेबल हो गए। फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, सबसे पहले आरएसपी हम फाइल करेंगे सेबी को, या ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट होगा तो वो फाइल करेंगे सेबी को। आरएसपी को फाइल करते हैं बुक बिल्डिंग मेथड में। चलिए नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें तो लीड मैनेजर ने ध्यान देना है कि जब आप प्रोस्पेक्टस फाइल करो, ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस मतलब ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करो, तो जो भी इन्फॉर्मेशन है शैल नॉट बी ओल्डर देन 6 मंथ्स, 6 महीने से ज़्यादा पुरानी होनी नहीं चाहिए। फिर बोला सेबी आपको क्या करेगा, स्पेसिफाई द चेंजेस विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर सेबी बता देगा कि क्या क्या आपको चेंजेस करने हैं। 30 डेज कब से, पहला रिसिप्ट ऑफ ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, दूसरा सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई फ्रॉम मर्चेंट बैंकर, थर्ड वन क्लैरिफिकेशन फ्रॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी, एंड फोर्थ वन इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज विच एवर इज लेटर। जो भी बाद में डेट आएगी उसके 30 डेज के अंदर से भी आपको क्या करेगा, चेंजेस बताएगा। मर्चेंट बैंकर ने वो चेंजेस क्या करना है, कैरी आउट करना है, और आपको उसका कॉपी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को भी फाइल करनी है, जो रीजनल ऑफिस है सेबी का वहां पे भी 3 कॉपीज आपको अवेलेबल करवा के देनी है। फिर बोलना है मर्चेंट बैंकर ने एक कंफर्म करना है, सर्टिफाई करना है कि हमारे बीच में और कंपनी के बीच में क्या हो चुका है, एग्रीमेंट हो चुका है, ऐसा सेबी को बताना है, एज वेल एज ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट भी देना है। अगर कन्वर्टिबल सिक्योरिटी का इशू है तो ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट हमें डिबेंचर ट्रस्टी से भी लेके देना है। क्या बात है, अब पब्लिक को करना, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट मेड पब्लिक, करेक्ट। यहां तक बात सुनो, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट मेड पब्लिक, ये ऑफर डॉक्यूमेंट जो है इसको आपको पब्लिक करना पड़ेगा। तो पब्लिक, एक तो सेबी पब्लिक करेगी, सेबी कैसे पब्लिक करेगी, तो जिस दिन आपने सेबी को फाइल किया सेबी उसको तुरंत क्या करेगी, अवेलेबल करवा देगी पब्लिक में, 21 दिन के लिए पब्लिक कर देगी। कैसे, बाय पोस्टिंग ऑन द वेबसाइट ऑफ सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, मर्चेंट बैंकर एक्सेट्रा। फिर इश्यूअर ने भी ख्याल रखना है, इश्यूअर ने विद इन टू डेज क्या कर देना है आपको, ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट साइल को सेबी को फाइल करना है, पब्लिक अनाउंसमेंट दे देना है उसको, एक इंग्लिश पेपर में और एक हिंदी न्यूज़पेपर में, ठीक है। चलिए यार, और आपको सेबी के पास आपको कमेंट क्या क्या कमेंट आई है वो पूरा आपको बताते हुए चलना है। ओके सर, यहाँ तक हमारा क्लियर, एकदम क्लियर हो गया है। चलो यहाँ तक डन है क्या आपको, यहाँ तक डन है क्या? ओके, और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन, एकदम शिद्दत के साथ सुनिएगा। प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, मैं ये लेक्चर को यूट्यूब पे भी अपलोड करवा दूंगा, डोंट वरी, है ना, ये लेक्चर को मैं क्या करूंगा, यूट्यूब पे भी अपलोड करवा दूंगा। और अगर तुमने इसके ऊपर कमेंट नहीं किया तो सालों ब्लॉक कर दूंगा तुमको, समझे क्या? ओके, सुनना अच्छे से, कॉन्सेंट्रेट करना। प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन इज डिवाइड इन टू पार्ट। सबसे पहले आईपीओ में कितना प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो आईपीओ में प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन एटलीस्ट 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल 20% ऑफ व्हाट बेटा आपका पोस्ट इशू कैपिटल 20% ऑफ व्हाट बेटा आपका पोस्ट इशू कैपिटल ये आपका क्या है बेटा, आपका प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। हाउएवर, अगर प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन 20% नहीं है,
अगर प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन 20% नहीं है तो एक काम करिए, 10% आप किसको दे सकते हो, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, या फिर अल्टरनेट इन्वेस्ट, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, या फिर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या फिर इंश्योरेंस कंपनीज है, समझ में आ रहा है, इनको आप 10% दे सकते हो ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल। अगर प्रमोटर से 20% नहीं हो रहा है तो 10% इन लोगों को दे सकते हो, मतलब प्रमोटर का 10% इनको दे सकते हो। प्रमोटर का 10% मतलब जो 20% है ना उसका, उसका 10% नहीं लेना है, 20 को दो हिस्से कर दो, 10% 10%, तो 10% प्रमोटर ले लेगा एंड 10% आप इन लोगों को दे सकते हो, करेक्ट है। चलिए अब मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे लेके आना है, अगर वो इक्विटी शेयर से लेके आ रहे हो, सुनना अच्छे से, प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन या तो इक्विटी शेयर से आ सकता है या तो कन्वर्टिबल सिक्योरिटी से आ सकता है, या तो इक्विटी शेयर से आ सकता है या तो किससे आ सकता है, कन्वर्टिबल सिक्योरिटी से आ सकता है। अच्छा, अगर कन्वर्टिबल सिक्योरिटी का इशू है, सुनना, कन्वर्टिबल सिक्योरिटी का इशू आ रहा है एंड आप ध्यान से सुना, प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन इक्विटी शेयर से ले रहे हो, प्लीज फोकस करना, इशू किसका आ रहा है, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का, और प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन आप कहां से लेके आ रहे हो, इक्विटी शेयर से ले रहे हो, इक्विटी शेयर के फॉर्म में प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन ले रहे हो, तो प्राइस क्या होगा, तो प्राइस शैल नॉट बी लोअर देन द वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स अराइजिंग आउट ऑफ द कन्वर्जन। देखो यार, कन्वर्जन होने वाला है ना, अलग अलग टाइम पे लेट से कन्वर्जन हो रहा है, तो इसका वेटेड एवरेज प्राइस लोगे, वो प्राइस पे ही आपको प्रमोटर को क्या देना, इक्विटी शेयर देना। चीजों को समझिए, इशू किसका आ रहा है, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का, प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे लेके आ रहा है, इक्विटी शेयर से, तो इक्विटी शेयर का प्राइस क्या होगा, इक्विटी शेयर का प्राइस होगा वेटेड एवरेज प्राइस अराइजिंग आउट ऑफ द कन्वर्जन, वेटेड एवरेज प्राइस अराइजिंग आउट ऑफ द कन्वर्जन, क्या बात है। फिर बोला आईपीओ आ रहा है कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट का, आईपीओ किसका आ रहा है, कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट का आईपीओ आ रहा है विदाउट पब्लिक इशू, इसके पहले पब्लिक इशू आया नहीं है, इक्विटी शेयर का पब्लिक इशू आया नहीं है, तो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 20% ऑफ इशू साइज फ्रॉम ओन फंड। डेट इंस्ट्रूमेंट का आईपीओ है, डेट इंस्ट्रूमेंट का आईपीओ है, करेक्ट है, इसके पहले इक्विटी शेयर का आईपीओ नहीं आया, तो उस आईपीओ में 20% लगा देना भाई, तू कितना 20% ऑफ इशू साइज, वो भी खुद के पैसों से लगा देना। ओके, प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन कब लेके आना है, तो भाई साहब अगर प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन अप टू 100 करोड़ रुपीज है, तो वन डे बिफोर इशू ओपनिंग डेट एंड डिपॉजिट इन टू वॉट, एस्क्रो अकाउंट। अगर 100 करोड़ तक प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन है तो एक दिन पहले, इशू ओपन होने के एक दिन पहले लेके आइए और उसको डिपॉजिट कर दीजिए, कहां पे, एस्क्रो अकाउंट पे। अगर प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन इज मोर देन 100 करोड़, अगर 100 करोड़ से ज्यादा है प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन, तो क्या करिएगा यारो, तो एकदम आप कोई दिक्कत नहीं है, 100 करोड़ लेके आइए पहले और बाकी का शेयर प्रोपोर्शनेट बेसिस पे लेके आ जाइए। चलो एक बार वापस से देखेंगे, प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करेंगे, प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ, कम ऑन एवरीबॉडी, इन केस ऑफ आईपीओ, थोड़ा एनर्जी लाओ यार, मुंडे मिंडे झटको, स्ट्रेट बैठो, आज भैया आग लगा देंगे अपन, बताइए जल्दी से। सबसे पहले प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ आईपीओ कितना होना चाहिए, 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल। अगर प्रमोटर 20% नहीं ले रहा है तो 10% आप किसको दे सकते हो, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर हो सकता है, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड हो सकता है ना, फिर आपका इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह हो सकती है, उनको आप 10% दे सकते हो। चलिए अच्छा, प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे लेके आना है, या तो इक्विटी शेयर से, या तो किससे लेके आओगे, या तो इक्विटी शेयर से लेके आ जाओगे या तो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी से लेके आ जाओगे। बहुत बढ़िया। अरे सर, इशू कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का इशू आ रहा है और प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन इक्विटी शेयर से, तो उसका प्राइस क्या होगा, तो प्राइस होगा एटलीस्ट वेट मिनिमम क्या आएगा, वेटेड एवरेज प्राइस अराइजिंग आउट ऑफ द कन्वर्जन, वेटेड एवरेज प्राइस अराइजिंग आउट ऑफ द कन्वर्जन। क्लियर है, यहाँ तक बात सुन लो। अच्छा, अगर डेट इंस्ट्रूमेंट का इशू है, किसका है, डेट इंस्ट्रूमेंट का इशू आ रहा है, किसका इशू आ रहा है, डेट इंस्ट्रूमेंट का इशू आ रहा है, और इसके पहले कभी भी पब्लिक इशू इक्विटी शेयर का नहीं आया, तो 20% ऑफ इशू साइज आपके ओन फंड से आपको क्या करना, लगा देना है। चलिए, प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन कब लेके आना है, तो पब्लिक इशू अगर है तो एक दिन पहले आपको प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन लेके आना पड़ेगा मित्रों, और उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा एस्क्रो अकाउंट में, इशू ओपन होने के एक दिन पहले, अप टू 100 करोड़ है एक दिन पहले, 100 करोड़ से ज्यादा है, लेट से 120 करोड़ है, तो बाकी के 20 करोड़ जो है वो आप प्रोपोर्शनल बेसिस पे लेके आ सकते हो। अच्छा, प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन कब एप्लीकेबल नहीं है, आईपीओ के केस में कब एप्लीकेबल नहीं है, जो प्रमोटर ही नहीं है। सर ऐसी कंपनी होती है जिसमें प्रमोटर नहीं है, मैंने आपको बताया था यस बैंक, मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकली बताया था यस बैंक में कोई भी प्रमोटर नहीं है, तो नो आइडेंटिफिएबल प्रमोटर, जब कोई प्रमोटर है ही नहीं तो आपको आईपीओ में प्रमोटर कंट्रीब्यूशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर आपने प्रमोटर कंट्रीब्यूशन किया है फिर भी आपको हम इनएलिजिबल मान लेंगे, कब कब इनएलिजिबल मानेंगे, तो सबसे पहले स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज अक्वायर्ड अदर देन कैश। यार मैंने इसका मेमोरी टेक्निक क्या दी थी, जिस शेयर्स के पैसे प्रमोटर ने नहीं दिए हैं या जिस शेयर्स के पैसे प्रमोटर ने कम दिए हैं वो शेयर्स को हम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन में काउंट करते नहीं है, करेक्ट। याद कैसे रखोगे, जिस शेयर्स के पैसे प्रमोटर ने नहीं दिए हैं या जिस शेयर्स के पैसे प्रमोटर ने कम दिए हैं वो प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन में काउंट होता नहीं है। क्लियर, यहाँ तक बात सुनो। सबसे पहले स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज अक्वायर्ड कॉमन एवरीबॉडी अदर देन कैश और कैपिटलाइजिंग ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 ईयर्स है ना। तो सेकेंड वन, अक्वायर बाय वे ऑफ बोनस इशू और बाय यूटिलाइजिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, करेक्ट है। थर्ड वन इज व्हाट बेटा, थर्ड वन इज व्हाट, सिक्योरिटीज अक्वायर ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 1 ईयर
एट अ लोअर प्राइस देन द इशू प्राइस, ठीक है, आपने पिछले एक साल में जो भी शेयर्स खरीदे हैं एट अ लोअर प्राइस देन द इशू प्राइस, आज इशू प्राइस है 120 रुपीज, आपने शेयर्स खरीदे 80 रुपीज में, इनएलिजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप 40 डिफरेंस अमाउंट कितना है 40 रुपीज पे करने के लिए रेडी हो, प्रमोटर बोलता है काम करो ना, इशू प्राइस 120 है, हमने 80 रुपीज में शेयर खरीदे थे, 40 रुपीज आप ले लीजिए, तो उसको एलिजिबल मान लेंगे क्योंकि उसने 120 रुपीज दे दी है टोटल, ठीक है। फोर्थ वन, सिक्योरिटीज अक्वायर्ड एट प्राइस लेस देन द इशू प्राइस व्हेन इशूअर फॉर्म बाय कन्वर्जन ऑफ एलएलपी, एलएलपी को हमने या एलएलपी या कोई फॉर्म को हमने कंपनी में कन्वर्ट किया, उस टाइम पे प्रमोटर को शेयर्स मिले थे और वो भी लोअर प्राइस पे देन द इशू प्राइस, लोअर देन द इशू प्राइस, क्लियर है? आते बात सुनो, चले बड़ी नेक्स्ट वन, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वन, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं एकदम कंफर्टेबल हो जाइए, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज प्लेज विद द क्रेडिटर्स, अगर आपने सिक्योरिटीज क्या कर दी है, प्लेज कर दी है किसके पास, क्रेडिटर के पास, तो वो भी इन एलिजिबल हो जाएगा। फिर बोला प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन केस ऑफ एफपीओ, एफपीओ में कितना लेके आना, 20% ऑफ इशू साइज और सच परसेंटेज विच कॉन्स्टिट्यूट 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल, करेक्ट आते बात सुनो, या तो प्रपोज इशू का 20% ले लो, जो इशू आ रहा है उसका 20% ले लो, या तो टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल, है ना, सच परसेंटेज विच एक्सटेंड टू 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल। अगर कंपोजिट इशू है, कंपोजिट इशू मतलब मिक्स इशू है, पब्लिक इशू भी है राइट इशू भी है, तो इग्नोर द राइट इशू इग्नोर कर दीजिएगा, पब्लिक इशू में कितना लेना, अगेन सेम 20% ऑफ इशू साइज और सच परसेंटेज विच एक्सटेंड टू 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल। अच्छा, कुछ सिक्योरिटीज इनएलिजिबल हो जाएगी, इनएलिजिबल कौन सी, तो सिक्योरिटीज अक्वायर्ड अदर देन कैश और कैपिटलाइजिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट, या फिर बोनस शेयर्स में आपको, बोनस में आपको शेयर्स मिले बाय यूटिलाइजिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, या फिर आपने शेयर्स प्लेज पे रखे हुए हैं। ओके सर, सर एफपीओ में, एफपीओ के केस में कब कब आपको लाने की जरूरत नहीं, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है, तो सबसे पहले नो आइडेंटिफिएबल प्रमोटर, अगर प्रमोटर ही नहीं है तो, दूसरा प्रमोटर ही नहीं है तो, और दूसरा प्रमोटर है उसके शेयर्स फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है और डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड है इन थ्री इमीडिएटली फाइनेंशियल ईयर, मतलब 3 साल में प्रमोटर है, शेयर्स में फ्रीक्वेंटली ट्रेडिंग हो रही है और डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड है, कितने साल का बेटा, 3 साल का डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड है, क्लियर है? यहां तक की बातों में आई डोंट थिंक सो कोई दिक्कत होगी आपको। चलिए नेक्स्ट वन, वी आर मूविंग फर्दर टूवर्ड्स दी लॉक इन पीरियड, तो प्रमोटर का लॉक इन पीरियड कितना होगा, कमन एवरीबॉडी, तो मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन शैल बी लॉक्ड इन फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए लॉक इन होगा, कितने साल के लिए लॉक इन होगा, 3 ईयर्स, 3 ईयर्स कब से, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन और अलॉटमेंट विच एवर इज लेटर। मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब 20%, मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया, 20%, यस और नो, मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया 20%, दैट 20% शैल बी लॉक्ड इन फॉर व्हाट बेटा, आपका 3 ईयर्स, और 3 ईयर्स कब से बेटा, 3 ईयर्स, 3 ईयर्स कब से, 3 ईयर्स कब से बेटा, 3 ईयर्स फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन और अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज विच एवर इज लेटर, ठीक है। अगर एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन है, एक्सेस पब्लिक कॉन्ट्रीब्यूशन, एक्सेस मतलब 20% से ज्यादा है, अगर आईपीओ में 20% से ज्यादा लिया है आपने, तो वो 1 साल के लिए लॉक इन होगा, और अगर आपने एफपीओ में लिया है तो एफपीओ में एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन लॉक्ड इन नहीं होगा, ठीक है। एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ लॉक इन होगा, आईपीओ में, कितने साल के लिए, 1 ईयर, 1 ईयर कब से, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी और कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन विच एवर इज लेटर। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही छे, एकदम 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 फाड़ू, एकदम जोरदार, जबरदस्त, शानदार। नेक्स्ट वन बोला एंटायर प्री इशू कैपिटल, जो भी प्री इशू कैपिटल शैल बी लॉक्ड इन फॉर 1 ईयर फ्रॉम अलॉटमेंट इन केस ऑफ आईपीओ, और ये शेयर्स जो लॉक्ड इन है उसका एंट्री कौन करेगा, डिपॉजिटरी करेगा, उसका एंट्री कौन करेगा, डिपॉजिटरी करेगा। चलिए यारो, फिर बोला है प्लेज, तो अगर आपने सिक्योरिटीज जो है लॉक्ड इन सिक्योरिटी है वो आप क्या कर सकते हो, प्लेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेज रख सकते हो। सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है, अगर आप इशू लेके आ रहे हो तो सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है, कितना, 1% ऑफ इशू साइज। अच्छा, आईपीओ ग्रेडिंग एक पॉइंट समझ लीजिए, आईपीओ ग्रेडिंग का मतलब होता है रेटिंग, आईपीओ का रेटिंग होता है स्केल, 5 स्केल, 5 स्टार, 4 स्टार, ऐसा स्केल आईपीओ को रेटिंग दी जाती है, तो वो ऑप्शनल है, वो ऑप्शनल है, जैसे पब्लिक मूवी को कैसे रेटिंग होती है ना, मूवी को ग्रेडिंग, ग्रेड दिया जाता है ना, आपको भी देखा स्कूल में ग्रेड मिलते थे, है ना, मुझे पता तुम तो थर्ड ग्रेड में आते होंगे, हम आईमेंट से ग्रेड मिलता है, तो यहाँ पे भी आईपीओ को ग्रेडिंग दी जाती है, जो आजकल ऑप्शनल हो गया, आजकल क्या हो गया, ऑप्शनल हो गया। अच्छा, इशू ओपन कब होगा, कम ऑन एवरीबॉडी, इशू ओपन कब होगा बेटा, तो ओपन विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द इश्यूएंस ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय सेबी, करेक्ट है, सेबी ने ऑब्जर्वेशन दिया है उसके 12 मंथ्स के अंदर इशू ओपन होना चाहिए। अगर शेल प्रोस्पेक्टस से इशू लाए हो, शेल प्रोस्पेक्टस मतलब मल्टीपल इशूज आने वाले हैं, तो आपका फर्स्ट इशू जो है वो 3 मंथ्स के अंदर ओपन हो जाना चाहिए, करेक्ट है, 3 मंथ्स फ्रॉम द इशुएंस ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय सेबी, जैसे सेबी ने ऑब्जर्वेशन दिया उसके 3 मंथ्स के अंदर आपका इशू ओपन होना चाहिए, ठीक है। आपको ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट एटलीस्ट 3 डेज प्रायर टू इशू ओपनिंग डेट आरओसी को फाइल करना है, एटलीस्ट 3 डेज प्रायर टू इशू ओपनिंग डेट किसको फाइल करना है, आरओसी को फाइल करना है। चलिए एक बार वन मोर टाइम शुरू से शुरू करते हैं, आ जाइए जल्दी से, आ जाइए शुरू से, मतलब प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन के, हाँ जी
आईपीओ हो गया था, एफपीओ के केस में देखते हैं प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है। तो एफपीओ केस में प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है बाबू बताइए, 20% ऑफ प्रपोज इशू और टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल एज द केस में भी। इन केस ऑफ कंपोजिट इशू, राइट इशू को छोड़ दीजिए, पब्लिक इशू में कितना होगा बेटा 20% ऑफ व्हाट प्रपोज इशू और सच परसेंटेज विच कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल। सिक्योरिटी इन एलिजिबल कौन सा हो जाएगा, तो सिक्योरिटीज अक्वायर्ड अदर देन कैश, बोनस इशू में जो शेयर्स मिले हैं एंड बोनस इशू में वो भी कैसा है, बाय यूटिलाइजिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व, एंड थर्ड वन प्लेज में जो रखा है वो वाला। लॉक इन कितना है, लॉक इन मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन, मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर थ्री इयर्स फ्रॉम द व्हाट कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन और डेट ऑफ अलॉटमेंट विच एवर इज लेटर। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर थिंग में कितना होगा बेटा, अदर थिंग में कितना होगा, कमन एवरीबडी, तो अदर इसमें होगा बेटा वन ईयर फ्रॉम द व्हाट, एक साल कब से बाबू, एक साल होगा बेटा आपका आईपीओ में, एक साल होगा अलॉटमेंट और कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन विच एवर इज लेटर। एफपीओ में एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन लॉक इन नहीं है। अच्छा, जो भी इशू आप लेके आ रहे हो, एंटायर आईपीओ जब भी आप लेके आ रहे हो, तो एंटायर प्री इशू कैपिटल शैल बी लॉक्ड इन फॉर वन ईयर, शैल बी लॉक्ड इन फॉर व्हाट बेटा आपका वन ईयर। चलिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट 1%, ओपनिंग ऑफ इशू, इशू ओपन कितने दिन के अंदर होगा, कमन एवरीबॉडी इशू ओपन कितने दिन के अंदर होगा, तो विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन बाय सेबी। अगर ऑब्जर्वेशन से ज्यादा, सुनना अच्छे से, कॉन्सेंट्रेट करना, मस्ती नहीं करना, मैं बुक्का मारूंगा। अगर सेल प्रोस्पेक्ट है तो फर्स्ट इशू शैल बी ओपन विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द इशू ऑफ ऑब्जर्वेशन, बराबर है, और आपको ऑफर डॉक्यूमेंट एटलीस्ट 3 डेज प्रायर टू इशू ओपनिंग डेट आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन मतलब ये दिन जहां पे आप शेयर्स खरीदने का एप्लीकेशन दोगे, तो कम से कम ये 3 दिन का होगा, मैक्सिमम 10 डेज। अगर कोई रीजन है या फिर आपका प्राइस बैंड में आप क्या कर रहे हो बेटा, चेंज कर रहे हो, प्राइस बैंड को रिवाइज कर रहे हो, तो आपको 3 डेज का एक्सटेंशन मिल जाएगा, या फिर कोई अदर लेट से कि कोई बैंकिंग स्ट्राइक वगैरह हो गई, तो 3 दिन का और आपको एक्सटेंशन मिलते हुए चलेगा। तो मैक्सिमम 10 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हाँ कम से कम 3 दिन, मैक्स टू मैक्स 10 डेज। अगर 3 दिन है ना तो एक्सटेंशन 3 डेज का आपको यहाँ पे मिलते हुए चलेगा। सर प्राइस बैंड बता दो, बताने वाला टाइम नहीं है ये, सिर्फ रिवीजन वाला टाइम है बाबू, है ना, यहाँ बताने वाली कोई बात ही नहीं है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें दोस्तों, कॉन्सेंट्रेट करा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन है एटलीस्ट 90% ऑफ टोटल इशू साइज। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है, कमन एवरीबॉडी बताइए, 90% ऑफ टोटल इशू साइज, एंड ध्यान सुनना, पब्लिक शेयर होल्डिंग एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 25% होना चाहिए, एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 25% होना चाहिए। अच्छा, ये ऑफर फॉर सेल में एप्लीकेबल नहीं है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो ऑफर फॉर सेल में एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है तो आपको पैसा रिफंड करना पड़ेगा, अगर अंडरराइटर नहीं है तो 15 डेज के अंदर आपको रिफंड करना पड़ेगा फ्रॉम द व्हाट क्लोजर ऑफ इशू, और अगर अंडरराइटर है तो 70 दिन के अंदर रिफंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इशू क्लोज होने के बाद में 60 डेज अंडरराइटर को दिए जाएंगे कि भैया तू सब्सक्राइब कर ले, अगर वो 60 डेज में सब्सक्राइब नहीं कर पाता है तो नेक्स्ट 10 डेज में रिफंड हो जाएगा। तो टोटल कितने दिन हो गए, 70 दिन हो गए, 60 दिन अंडरराइटर के, 10 दिन में बाकी के रिफंड कर देंगे। एप्लीकेशन साइज कितने दिन किसके बीच में होगी, 10,000 to 15,000 के बीच में होगी, एप्लीकेशन साइज जो है वो 10,000 to 15,000 के बीच होगी। मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए, 25% ऑफ इशू साइज, 25% ऑफ व्हाट बेटा आपका इशू साइज, ये आपका होना चाहिए। फिर बोला गया इन ऑफर फॉर सेल में पूरा का पूरा पैसा आपको एडवांस में लेना है। अच्छा, कॉल मनी जो बाकी का पैसा वो 12 मंथ्स के अंदर आ जाना चाहिए, अगर आपने पहले एप्लीकेशन मनी मंगवाई है तो बाकी का 12 मंथ के अंदर पैसा आ जाना चाहिए। रिजर्वेशन, चलिए आप किसके लिए रिजर्व कर सकते हो, तो यार देखो आईपीओ अगर है, आईपीओ के केस में आप रिजर्वेशन कर सकते हो एम्प्लॉय के लिए, फिर आप शेयर होल्डर ऑफ सब्सिडरी कंपनी और शेयर होल्डर ऑफ प्रमोटर कंपनी। आईपीओ में आप किसके लिए रिजर्व कर सकते हो, एक तो एम्प्लॉय के लिए, दूसरा शेयर होल्डर ऑफ सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी लिस्टेड कंपनी और सब्सिडरी और प्रमोटर कंपनीज के शेयर होल्डर के लिए आप क्या कर सकते हो बेटा, रिजर्वेशन कर सकते हो, ठीक है। मर्चेंट बैंकर, सुनना, मर्चेंट बैंकर का प्रमोटर या मर्चेंट बैंकर के एम्प्लॉय या फिर मर्चेंट बैंकर का ग्रुप कंपनीज, उनके लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं होगा, क्योंकि वो आपके लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई भी शेयर्स आपको रिजर्व करने नहीं है। एफपीओ में रिजर्वेशन किसके लिए हो सकता है, आरआईआई मतलब रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए ही सिर्फ रिजर्वेशन होगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर भी नहीं। आरआईआई का मतलब हो गया वो व्यक्ति जिसके पास 2 लाख से कम के 2 लाख की एप्लीकेशन है, तो आरआई मतलब रिटेल शेयर होल्डर के लिए आप क्या कर सकते हो, रिजर्वेशन कर सकते हो। अच्छा, एम्प्लॉय के लिए रिजर्वेशन कितना करोगे, 5% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल। एग्रीगेट रिजर्वेशन फॉर एम्प्लॉय कितना हो सकता है, 5% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल। एक एम्प्लॉय को कितने शेयर्स दोगे, मैक्सिमम 2 लाख के। सर कुछ एम्प्लॉय शेयर्स ले नहीं रहे हैं और कुछ लोग ज्यादा शेयर्स लेने जाते हैं, मतलब अगर अंडर अलॉटमेंट है ना अंडर सब्सक्रिप्शन है, तो उस केस में आप एक एम्प्लॉय को 2 लाख से ज्यादा दे सकते हो, लेकिन 5 लाख से ज्यादा तो नहीं दे पाओगे। 2 लाख से ज्यादा दे सकते हो लेकिन 5 लाख से ज्यादा तो नहीं दे पाओगे इन एनी केस। बहुत बढ़िया,
फिर बोला गया आगे क्या बोला गया कि शेयर होल्डर के लिए कितना रिजर्वेशन कर सकते हो, 10% आप रिजर्वेशन कर सकते हो। शेयर होल्डर के लिए कितना रिजर्वेशन कर सकते हो बेटा, 10% ऑफ इशू साइज, इतना आप रिजर्व कर सकते हो। अच्छा, एक बार व्यक्ति ने सुनना अच्छे से, रिजर्वेशन कर दिया है, वो व्यक्ति नॉर्मल कैटेगरी में जाके शेयर नहीं खरीद सकता। हाउएवर कौन खरीद सकता है, एम्प्लॉय और RII शेयर होल्डर जो है, रिटेल इन्वेस्टर जो है वो और एम्प्लॉय खरीद सकता है, मतलब बाकी के जो शेयर होल्डर है वो नहीं खरीद पाएंगे। फिर बोला अंडरराइटर, कम ऑन एवरीबॉडी, जब हम बात करते हैं अल्टरनेट बुक बिल्डिंग मेथड की, अल्टरनेट बुक बिल्डिंग मेथड मतलब 75% अलॉटेड टू QIB, वो पोर्शन अंडरराइटिंग अंडरराइटर नहीं ले सकता। इस चीज को क्लियर कर लीजिए, द पोर्शन ऑफ QIB इन केस ऑफ अल्टरनेट बुक बिल्डिंग मेथड कैन नॉट बी अंडररिटन। फिर अंडररिटर जो है, अगर अंडररिटर अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर पाता है तो मर्चेंट बैंकर को वो शेयर्स खरीदने पड़ते हैं। फिर यहाँ पे क्या बोला गया है, कहीं ना कहीं यहाँ पे अंडररिटर ने और कंपनी के साथ एग्रीमेंट होना चाहिए। अच्छा, डिफरेंशियल प्राइस, डिफरेंशियल प्राइस मतलब आप आपके एम्प्लॉय को या रिटेल शेयर होल्डर को, रिटेल शेयर होल्डर को 10% का डिस्काउंट दे सकते हो इशू प्राइस पे, फेस वैल्यू पे डिस्काउंट नहीं, इशू प्राइस। आज इशू प्राइस है 500 रुपये, तो आप उसको 450 तक दे सकते हो। किसको, एक तो रिटेल इन्वेस्टर को और दूसरा किसको बेटा, आपके एम्प्लॉय को। एंकर इन्वेस्टर को, एंकर इन्वेस्टर जो व्यक्ति है उसको लोअर देन दी अदर कैटेगरी, मतलब बाकी लोगों से जो पैसा ले रहे हो ना उतना ही पैसा एंकर के इन्वेस्टर से लेना है, उससे कम लेना नहीं है। अल्टरनेट बुक बिल्डिंग मेथड की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉय को 10% जितना डिस्काउंट मिल सकता है। अल्टरनेट बुक बिल्डिंग मेथड में एम्प्लॉय को 10% ऑफ फ्लोर प्राइस, मतलब जो भी फ्लोर प्राइस होगा उससे 10% कम में आप शेयर्स दे सकते हो एम्प्लॉय को, करेक्ट है। आते बात सुनो, कंपोजिट इशू है तो राइट इशू का प्राइस अलग हो सकता है, पब्लिक इशू का प्राइस अलग हो सकता है। ओके, एक बार सुनना चाहिए, एक बार आपने ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल कर दिया तो जब तक लिस्टिंग नहीं होती, तब तक लिस्टिंग नहीं होती तब तक कोई भी इशू लेके आना नहीं है। फिर बोला प्राइस एंड प्राइस बैंड, तो आपको प्राइस एंड प्राइस बैंड कहाँ मेंशन करना है, प्रोस्पेक्टस में मेंशन करना है या ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में आपको मेंशन करना है। याद रखना प्राइस बैंड में दो प्राइस होती है, एक तो लोअर प्राइस और एक अपर प्राइस। लोअर प्राइस को बोलते हैं फ्लोर प्राइस, अपर प्राइस को बोलते हैं कैप प्राइस, एंड दोनों के बीच का गैप 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसी को अलग शब्दों में क्या बोला जाता है कि कैप प्राइस शैल नॉट एक्सीड 120% ऑफ फ्लोर प्राइस, कैप प्राइस शैल नॉट एक्सीड 120% ऑफ फ्लोर प्राइस, बराबर। यहाँ तक बात सुनो, ये जो भी प्राइस है इट शुड बी अनाउंस एटलीस्ट 2 डेज और 1 डेज बिफोर द इशू ओपनिंग डेट इन केस ऑफ आईपीओ। आईपीओ में ये आपको जो प्राइस है, प्राइस बैंड वगैरह है, वो 2 दिन पहले बताना है, एफपीओ में 1 दिन पहले बताना है न्यूज़पेपर में, ठीक है। फिर आपका कट ऑफ प्राइस डिसाइड होगा, कट ऑफ प्राइस फाइनली हम डिसाइड करेंगे और उसको आरएसपी में क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। और जैसे ही हमने कट ऑफ प्राइस आरएसपी में मेंशन किया, आरएसपी क्या बन गया यार, प्रोस्पेक्टस बन गया। नेक्स्ट वन बोला गया, आराम से कॉन्सेंट्रेट करना, पोस्ट लिस्टिंग एग्जिट अपॉर्चुनिटी फॉर डिसेंटिंग शेयर होल्डर, पोस्ट लिस्टिंग एग्जिट अपॉर्चुनिटी। मेरे को एक बात बताइए, ये एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत कब है, जब आप चेंज करते हो ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को चेंज करते हो ना तभी एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने की आवश्यकता है। जब आप ऑब्जेक्ट को चेंज करते हो ना तभी एग्जिट अपॉर्चुनिटी आपको देने की आवश्यकता है। सर समझा नहीं, बेटा मेरे को बताओ, अगर आप प्रोजेक्ट में 75% से कम पैसा लगा रहे हो तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी कम देना पड़ता है, कंडीशन, सबसे पहले अमाउंट यूटिलाइज फॉर स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट इज लेस देन 75%, क्योंकि एज पर लॉ 75% लगाना पड़ता है, तो 75% से कम पैसा लगा रहे हो आप, ठीक है। एंड सेकेंड, द स्कीम जो आप लेके आ रहे हो इज डिसेंटेड बाई 10% ऑफ शेयर होल्डर, 10% ने मना कर दिया, तो आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। अब जब भी हम बात करते हैं एग्जिट अपॉर्चुनिटी की, तो भाई साहब ये एग्जिट अपॉर्चुनिटी देता कौन है यार, ये एग्जिट अपॉर्चुनिटी देगा कौन, तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी देगा प्रमोटर, कौन देगा, प्रमोटर देगा, ठीक है, या शेयर होल्डर कंट्रोल, जो शेयर होल्डर इन कंट्रोल है वो देगा, करेक्ट है। अब एग्जिट अपॉर्चुनिटी में प्राइस क्या होगा, इंपॉर्टेंट मुद्दा है, तो प्राइस शैल नॉट बी लोअर देन दी फर्स्ट वन वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस पेड और पेबल बाय प्रमोटर ड्यूरिंग 52 वीक्स प्रीसीडिंग द रिलेवेंट डेट। देखो सबसे पहला प्राइस, प्राइस शैल नॉट बी लोअर देन हायर ऑफ द फॉलोइंग, मतलब 3-4 प्राइस हम लोग निकालेंगे, उसमें से जो भी मैक्सिमम प्राइस होगा उससे कम में आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं देनी है। इस चीज को समझिएगा, इस चीज को अच्छे से समझिएगा, हम यहाँ पे 3-4 प्राइजेस निकालेंगे तो उसका जो भी हायर होगा, समझो फॉर एग्जांपल पहला क्या है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस पेड और पेबल बाय प्रमोटर और कंट्रोलिंग शेयर होल्डर ड्यूरिंग 52 वीक्स, मतलब प्रमोटर ने पिछले एक साल में, 52 वीक्स मतलब एक साल में हायर, मतलब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जो जो प्राइस पेड किया उसका वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस निकालना है, समझो वो आया 100 रुपीज। फिर बोला हाईएस्ट प्राइस पेड बाय द प्रमोटर ड्यूरिंग 26 वीक, पिछले 26 वीक में 6 महीने में हाईएस्ट प्राइस जो प्रमोटर ने पे किए, समझो पे किए 120 रुपीज। फिर वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 60 डेज इफ शेयर्स आर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड, वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस देना कितने साल, कितने दिनों का, 60 डेज का, अगर शेयर्स में फ्रीक्वेंटली ट्रेडिंग हो रही है, समझो यहाँ पे आया 110 रुपए। एंड प्राइस डिटरमाइंड बाय, अगर शेयर्स इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है, मतलब ट्रेडिंग नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, करेक्ट ना, तो बात सुनो, नहीं हो रही है तो क्या बोला गया है, आपका प्राइस कौन डिटरमाइन करेगा, प्रमोटर और मर्चेंट बैंकर, समझो उन्होंने डिसाइड किया है 105 रुपए, तो इसमें से जो भी हाईएस्ट है, हाईएस्ट कितना है 120, तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी एटलीस्ट 120 या उससे ज्यादा में आपको देना है। एक बार ये चारों प्राइस याद करिएगा बेटा,
एग्जिट अपॉर्चुनिटी एक बार चारों पॉइंट याद करिएगा। सबसे पहले क्या है, कम ऑन एवरीबॉडी, सबसे पहले एकदम आराम से कॉन्सेंट्रेट करना। सबसे पहला पॉइंट क्या बोला गया, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस पेड और पेबल बाय प्रोमोटर इन प्रीसीडिंग 52 वीक्स फ्रॉम रिलेवेंट डेट। पॉइंट नंबर टू हाइएस्ट प्राइस पेड बाय प्रोमोटर ड्यूरिंग 26 वीक्स। एंड थर्ड वन, वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 60 ट्रेडिंग डेज इफ शेयर्स आर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड। और शेयर्स फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं है तो यार क्या हो जाएगा बेटा, जो प्रमोटर और ये प्राइस डिसाइड करेंगे वो प्राइस हमको लेनी पड़ेगी। अब किस तरीके से एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी है यार, एग्जिट अपॉर्चुनिटी कैसे देनी है, तो सबसे पहले आपको क्या कर दो बेटा, नोटिस दे दो, है ना, नोटिस अबाउट द एग्जिट ऑफर, है ना। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और उसका डिटेल आपको रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को देना पड़ेगा। रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को आपको सबमिट करनी पड़ेगी द लिस्ट ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर, करेक्ट है, डिसेंटिंग शेयर होल्डर एज सर्टिफाइड बाई कंप्लायंस ऑफिसर। जो जिन जिन लोगों ने ये इससे मना किया कि नहीं नहीं यार ये काम मत करो, उनका लिस्ट बना के आपको देना पड़ेगा। फिर आपको एक एस्क्रो अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, उस एस्क्रो अकाउंट में आपको पूरा पैसा जितने लोगों को हम एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं वो पैसा आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा विद इन 2 वर्किंग डेज प्रायर टू टेंडरिंग पीरियड। टेंडरिंग पीरियड मतलब जहां पे लोगों को लोग शेयर्स बेचेंगे, प्रमोटर शेयर्स उनसे खरीदेंगे, वो उसको बोलते हैं टेंडरिंग पीरियड। और टेंडरिंग पीरियड कितने दिन के अंदर स्टार्ट होगा, जब आपने एसआर पास किया उसके 7 डेज के अंदर। टेंडरिंग पीरियड मतलब टेंडर नहीं है, टेंडरिंग का मतलब यहां पे आप अपने शेयर्स बेच रहे हो। यार आप कंपनी के डिसीजन से खुश नहीं हो ना, आप शेयर्स बेचो और चले जाओ, प्रमोटर आपको पैसा दे देगा, प्रमोटर आपको पैसा दे देगा। तो टेंडरिंग पीरियड शैल बी स्टार्ट विद इन 7 डेज फ्रॉम स्पेशल रेजोल्यूशन, एसआर पास करें किया है उसके 7 दिन के अंदर। एंड इट शुड रिमेन ओपन फॉर 10 वर्किंग डेज। ये टेंडरिंग पीरियड कितने दिन के लिए ओपन होगा, 10 दिन के लिए ओपन होगा। एंड पेमेंट करना पड़ेगा विद इन 10 वर्किंग डेज। जैसे टेंडरिंग पीरियड क्लोज हुआ उसके 10 डेज के अंदर आपको शेयर होल्डर को पेमेंट करना है। एंड जैसे पेमेंट हो जाता है उसके 2 डेज के अंदर आपको स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म कर देना है कितने शेयर्स, डिटेल ऑफ एग्रीगेट नंबर ऑफ शेयर्स, स्टैंडर्ड पेमेंट वगैरह कैसे किया, उसका सारा डिटेल आपको देते हुए चलना। चलो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, एक बार डबल रिवीजन का वादा है हमारा, डबल रिवीजन का वादा है बेटा, ये डबल रिवीजन का वादा है बेटा। कहाँ से अपन कर रहे हैं, अंडरराइटर से कर रहे हैं आई थिंक सो, नहीं रिजर्वेशन से कर रहे हैं। रिजर्वेशन से वापस से अपन क्या करेंगे, पूरा का पूरा बताएंगे, रिजर्वेशन से पूरा का पूरा देखेंगे। रिजर्वेशन कर सकते हैं, इसमें से एक मॉनिटरी एजेंसी वाला कंसेप्ट रह गया, वो अपन करेंगे, डोंट वरी। रिजर्वेशन ऑन कॉम्पिटेटिव बेसिस, रिजर्वेशन किसके लिए हो सकता है, आईपीओ में, आईपीओ में रिजर्वेशन कर सकते हो एम्प्लॉय के लिए। दूसरा, शेयर होल्डर ऑफ लिस्टेड सब्सिडियरी कंपनी या शेयर होल्डर ऑफ प्रमोटर कंपनी, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, रिजर्वेशन कर सकते हो। मर्चेंट बैंकर, मर्चेंट बैंकर के एम्प्लॉय हो सकता है, मर्चेंट बैंकर की ग्रुप कंपनीज वगैरह हो सकती है, उनके लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं होगा। एफपीओ में रिजर्वेशन सिर्फ आरआईआई के लिए हो सकता है, आरआईआई जो है आपके रिटेल इन्वेस्टर्स जो है, मतलब जिनके पास 2 लाख से कम के शेयर्स होते हैं उसको रिटेल इन्वेस्टर बोलते हैं, तो उनके लिए आप कर सकते हो। एम्प्लॉय के लिए कितना रिजर्वेशन होगा, एग्रीगेट रिजर्वेशन 5%। एक एम्प्लॉय को कितना दोगे बेटा, 2 लाख रुपीज। अगर सुनना अच्छे से, एक एम्प्लॉय को 2 लाख से ज्यादा शेयर्स नहीं दोगे, लेकिन 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 अगर एम्प्लॉय कैटेगरी में अंडर सब्सक्रिप्शन है तो एक एम्प्लॉय को ज्यादा भी दे सकते हो, कितना, 5 लाख तक दे सकते हो, ठीक है। कुछ एम्प्लॉय अगर ज्यादा लेना चाहते हैं तो उसको 5 लाख तक दे सकते हो, वेरी गुड बेटा। फिर अगर हम बात करें शेयर होल्डर के लिए रिजर्वेशन 10% से ज्यादा होना नहीं चाहिए। जिन व्यक्ति के लिए रिजर्वेशन किया वो पब्लिक ऑफर में जाके शेयर्स नहीं खरीदेंगे एक्सेप्ट आरआईआई शेयर होल्डर और एम्प्लॉय। इंटर से एडजस्टमेंट अलाउड है, मतलब अगर एम्प्लॉय कैटेगरी में शेयर्स बच जाते हैं तो वो पब्लिक कैटेगरी में डाल दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वन, अंडरराइटर आप अपॉइंट करेंगे, यस बिल्कुल अपॉइंट करेंगे, लेकिन जो अल्टरनेट बुक बिल्डिंग मेथड था ना उसमें 75% पोर्शन जो है ना वो अंडरराइटर, उसको हम अंडररिटन नहीं कर सकते, उसको हम अंडररिटन नहीं कर सकते। डिफरेंशियल प्राइस, प्राइस की अलग अलग हो सकती है, 10% का आप डिस्काउंट दे सकते हो किसको, एम्प्लॉय को एंड रिटेल इन्वेस्टर को। एंकर इन्वेस्टर को लोअर प्राइस में नहीं देना है। फिर बोला अल्टरनेट बुक बिल्डिंग मेथड में एम्प्लॉय को लोअर प्राइस, जो भी लोअर प्राइस होगा, प्राइस बैंड का जो भी लोअर प्राइस होगा उसे 10% कम तक आप दे सकते हो। कंपोजिट इशू में राइट इशू और पब्लिक इशू का प्राइस अलग हो सकता है। एक बार एक इशू चल रहा है तो जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक आपको नया इशू लेके आना नहीं है। प्राइस एंड प्राइस बैंड आपको प्रोस्पेक्टस में या ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में आपको मेंशन करना पड़ेगा। कैप प्राइस शैल नॉट एक्सीड 120% ऑफ फ्लोर प्राइस, मतलब दोनों के बीच का गैप 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर ये जो प्राइस है कितने दिन पहले बताएंगे, बताइए ये प्राइस है ये कितने दिन पहले बताएंगे, कम ऑन एवरीबॉडी। अगर आपका आरएचपी है, कम ऑन एवरीबॉडी, अगर आपका क्या है भाई साहब, आरएचपी है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, या जो भी प्रोस्पेक्टस है, मतलब आईपीओ अगर है तो 2 दिन पहले आपको प्राइस बैंड बताना है, और अगर एफपीओ है तो 1 दिन पहले आपको ये प्राइस बताते हुए चलना है। सो 2 डेज और 1 डेज प्रायर टू इशू ओपनिंग डेट, प्रायर टू व्हाट बेटा, आपका इशू ओपनिंग डेट, 2 दिन पहले या 1 दिन पहले आपको बताते हुए चलना है। ओके सर, मेरा पानी का बॉटल कहाँ गया रे, वेयर इज माय बाटली, आई एम बाटली बॉय, यू नो व्हाट, आई एम बाटली बॉय। अबे ढोकले, अबे ढोकले, ये मेरे हम सफर, इंतजार। सागर लेके गया लगता है बॉटल, सागर भी अपना बॉटली बॉय है।
एग्जिट अपॉर्चुनिटी कब देनी पड़ेगी यारो, समझना, एग्जिट अपॉर्चुनिटी कब देनी पड़ेगी? सबसे पहला एग्जिट अपॉर्चुनिटी तब देनी पड़ेगी जब 75% से कम पैसा प्रोजेक्ट में लगा रहे हो. एंड द सेकंड थिंग इज व्हाट, एक सेकंड वन इज व्हाट बेटा आपका, कि उसके अंदर 10% लोगों ने क्या किया, डिसेंटेड है. अब एग्जिट अपॉर्चुनिटी कौन देगा? तो प्रमोटर और जो सेलिंग शेयर होल्डर, उनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी. मतलब वो शेयर्स खरीद लेंगे, बिल्कुल शेयर्स खरीद लेंगे. प्रोसीजर क्या है उसका? तो प्रोसीजर ये है कि हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग क्या करेंगे, उनको लेटर भेजेंगे. क्या देंगे उनको? लेटर दे देंगे, बिल्कुल ठीक है. इशू नोटिस, नोटिस दे देंगे एग्जिट अपॉर्चुनिटी का. सर एग्जिट अपॉर्चुनिटी का प्राइस क्या होगा? तो प्राइस शैल नॉट बी लोअर देन दी हायर ऑफ द फॉलोइंग. हायर ऑफ द फॉलोइंग, सबसे पहला वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस पेड और पेएबल बाय प्रमोटर ड्यूरिंग 52 वीक्स. सेकंड वन, हाईएस्ट प्राइस पेड बाय द प्रमोटर इन 26 वीक्स. थर्ड वन, वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 60 ट्रेडिंग डेज इफ शेयर्स आर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड. और अगर फ्रीक्वेंटली ट्रेडिंग नहीं है तो बेटा आपका क्या, प्राइस डिटरमाइंड बाय प्रमोटर. ओके, फिर अब क्या बनेगा? लिस्ट ऑफ डिसेंडिंग शेयर होल्डर बनेगा, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को फाइल किया जाएगा. स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, वो इन्फॉर्मेशन को पब्लिक कर देगा विद इन 1 वर्किंग डेज. आपको एक एस्क्रो अकाउंट ओपन करना विद इन कितने दिन के अंदर? एटलीस्ट 2 डेज प्रायर टू टेंडरिंग पीरियड. टेंडरिंग पीरियड जब भी स्टार्ट होगा उसके 2 दिन पहले एस्क्रो अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और उसके अंदर सारा पैसा डिपॉजिट कर देना है. ओके सर, टेंडरिंग पीरियड कब स्टार्ट होगा? विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर, 7 days from SR, SR के 7 दिन के अंदर tendering period start होगा. And it should remain open. कितने दिन के लिए open होगा? It should remain open for at least कितने दिन बेटा? 10 working days के लिए क्या होगा? Open होगा. And जैसे ही close होगा उसके 10 दिन के अंदर आपको क्या करो? उसको 10 दिन के अंदर आपको क्या करना है? Payment करते हुए चलना है. Within 2 working days, inform to stock exchange detail of aggregate number of shares tender और payment of consideration etc. चलिए, फिर एक दिया है मॉनिटरिंग एजेंसी. देखो यार, मॉनिटरिंग एजेंसी का मतलब क्या हो गया ना कि भैया इशू तुम्हारा इतना बड़ा है ना, तुम्हारा इतना बड़ा इशू है, इसको मॉनिटर करने के लिए हमने रखा हुआ है मॉनिटरिंग एजेंसी को. तो एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक को है ना, आपको क्या रखना पड़ेगा बेटा? आपका मॉनिटरिंग एजेंसी रखनी पड़ेगी कब? जब इशू साइज कितना है? एक्सीडिंग 100 करोड़ है ना. ऑफर फॉर सेल को छोड़ के, ऑफर फॉर सेल को छोड़ के अगर इशू साइज 100 करोड़ से ज्यादा है तो आपको मॉनिटरिंग एजेंसी रखनी पड़ेगी. मॉनिटरिंग एजेंसी क्वार्टरली बताते हुए चलेगी किसको? सेबी को. टिल द यूटिलाइजेशन ऑफ 95% ऑफ फंड अवेलेबल फॉर स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट. अब प्रोजेक्ट में कितना लगाते हैं हम? 75%. प्रोजेक्ट में कितना लगाते हैं? 75%. उसका जब तक 95% मतलब 100 रुपए है तो 100 का 75% एटलीस्ट प्रोजेक्ट में लगना चाहिए. तो 75 का 95% पैसा, 75 का 95 आएगा मेरे हिसाब से, 75 का 95 आएगा मेरे हिसाब से 73 रुपीज़ वगैरह, मतलब 72 रुपीज़ वगैरह. तो 72 रुपीज़ जब तक इन्वेस्ट नहीं होता ना तब तक मॉनिटरी एजेंसी सेबी को बताते हुए चलेगी कि देखो सेबी इतना इन्वेस्ट हुआ है, देखो सेबी इतना इन्वेस्ट हुआ है. करेक्ट है? आते बात सुन लो, चलिए करेक्ट है. एंड इश्यूअर विद इन 45 डेज फ्रॉम एंड ऑफ ईच क्वार्टर पब्लिकली डिसमिनेट द रिपोर्ट ऑफ मॉनिटरिंग एजेंसी. हर क्वार्टर एंड होने के 45 डेज के अंदर इश्यूअर भी उस रिपोर्ट को क्या करेगा? पब्लिक करते हुए चलेगा. चलिए बाबू, नेक्स्ट वन है राइट इशू. अब यार राइट इशू की अगर हम बात करें दोस्तों, कॉन्सेंट्रेट करना. राइट इशू का मतलब हो गया एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर्स देते हैं, ठीक है. अच्छा, आप उसके लिए रिकॉर्ड डेट डिसाइड करिए कि किन किन को शेयर्स जाने चाहिए, उसके लिए रिकॉर्ड डेट डिसाइड करिए. अच्छा, यहाँ पे अमेंडमेंट है, 10 करोड़ नहीं है. अब लिमिट कितनी हो गई है? 20 करोड़. तो ICDR रेगुलेशन कब लेगा राइट इशू में? जब 20 करोड़ का राइट इशू आ रहा है. कितने का राइट इशू आ रहा है? 20 लाख का, 20 करोड़ का राइट इशू आ रहा है, तभी ICDR रेगुलेशन लगेंगे. क्या इस केस में भी आपको ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर फाइल करना पड़ेगा सेबी को? यस, बिल्कुल सेबी को. अच्छा, कौन सी कंपनी राइट इशू नहीं लेके आ सकती? तो वो जिसका प्रमोटर डायरेक्टर इशूअर डिबार्ड है, दूसरा प्रमोटर और डायरेक्टर हु इज ऑल्सो प्रमोटर, करेक्ट है, वो डिबार है, या तीसरा डायरेक्टर प्रमोटर इज अ फिग्यूटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर. यहाँ विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, फिग्यूटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर. जनरल कंडीशन सेम है. अच्छा, अगर प्रमोटर जो है राइट इशू लेके आ रहे हो, प्रमोटर इशूअर विलफुल डिफॉल्टर है और राइट इशू लेके आ रहे हैं, विलफुल डिफॉल्टर वाला राइट इशू लेके आ सकता है, तो प्रमोटर ग्रुप को जो शेयर्स मिलने वाले हैं राइट इशू में, वो अपने राइट को रिनाउंस नहीं कर सकता. रिनाउंस मतलब किसी और को नहीं दे सकता. सुनना, अगर प्रमोटर इशूअर या डायरेक्टर विलफुल डिफॉल्टर है, प्रमोटर इशूअर और डायरेक्टर विलफुल डिफॉल्टर है, क्लियर है? यहां तक बात सुन लो, अगर वो विलफुल डिफॉल्टर है, चीजों को समझिएगा बेटा, अगर वो विलफुल डिफॉल्टर है तो प्रमोटर ने वो राइट को क्या नहीं करना है? रिनाउंस नहीं करना है, मतलब खुद को ही राइट इशू में शेयर्स देने पड़ेंगे. करेक्ट है? आतंकवादी सुन लो. अच्छा, अगर इशूअर के पास SR शेयर्स है, SR मतलब सुपीरियर वोटिंग राइट शेयर्स, ठीक है, तो SR होल्डर ने भी अपना राइट रिनाउंस करना नहीं है, ठीक है, और वो लॉक इन में रहेंगे टिल कन्वर्जन. प्रेफरेंशियल इशू का मतलब क्या हो गया? जब शेयर्स किसको दिए जाते हैं? प्रेफरेंशियल इशू कब एप्लीकेबल होगा ICDR को? ICDR कब लगेगा? जब शेयर्स आपकी कंपनी क्या है? लिस्टेड कंपनी है, ठीक है. तो सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को क्या दिए जाते हैं? शेयर्स दिए जाते हैं. सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को क्या दिए जाते हैं? शेयर्स दिए जाते हैं. अच्छा, आप प्राइवेट प्लेसमेंट में उस व्यक्ति को शेयर्स मत देना जिसने पिछले 6 महीने में शेयर्स बेचे हैं, है ना. करेक्ट, सोल्ड और ट्रांसफर
इक्विटी शेयर्स ड्यूरिंग 6 months प्रीसीडिंग रिलेवेंट डेट, करेक्ट है। ये प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप के लिए है कि भैया प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप पिछले आज प्रेफरेंशियल इशू आ रहा है तो पिछले 6 महीने में अगर उन्होंने शेयर्स बेचे ना तो उनको आप प्रेफरेंशियल इशू मत दीजिएगा। फिर क्या बोला गया, प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप फेल्स टू एक्सरसाइज द वारंट शैल बी इनएलिजिबल फॉर 1 year फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ टेन्योर ऑफ वारंट और कैंसिलेशन ऑफ वारंट। अगर प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप वारंट को आप पैसा नहीं दिया, वारंट को एक्सरसाइज नहीं किया, तो वो प्रेफरेंशियल शेयर्स नहीं खरीद सकते। कब तक? जब वो वारंट जो है वो कन्वर्ट नहीं होता, है ना, बाकी लोगों ने तो लिए होंगे ना, तो जब तक वो वारंट कन्वर्ट नहीं होता या वारंट कैंसिल नहीं होता उसके बाद 1 साल तक। समझो वारंट कन्वर्ट हो रहा है 18 महीने में, 18 months, तो 18 month के बाद 1 साल तक वो प्राइवेट प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, है ना। प्राइवेट प्लेसमेंट में कौन पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा बेटा? आपका प्रमोटर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, किसमें? प्राइवेट प्लेसमेंट में। चलिए नेक्स्ट वन है बेटा, ओके, जनरल कंडीशन है, एसआर है, एसआर आपको पास करना पड़ेगा। याद रखना इक्विटी शेयर्स डीमैट फॉर्म में होना चाहिए, पैन नंबर आपको लेना है, कंटिन्यूस लिस्टिंग की कंडीशंस आपको फॉलो करते हुए चलनी है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, देखो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट इज अ पार्ट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ओनली, लेकिन इसमें शेयर सिर्फ और सिर्फ किसको दिए जाते हैं? QIB को दिए जाते हैं। शेयर सिर्फ और सिर्फ किसको दिए जाते हैं बेटा? QIB को, दैट इज व्हाट क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को शेयर दिए जाते हैं, उस इशू को बोलते हैं QIP, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, करेक्ट है। उसके लिए आपको क्या पास करना पड़ेगा? SR पास करना पड़ेगा। नो नीड टू पास SR, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है इन केस ऑफ ऑफर फॉर सेल बाय प्रमोटर टू फुलफिल मिनिमम शेयर होल्डिंग रिक्वायरमेंट। मैंने आपको बताया था मिनिमम शेयर होल्डिंग कितना, 25%। अगर वो होल्डिंग पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% से कम हो गई तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए क्या करते हैं, प्रमोटर शेयर्स बेचते हैं किसको? पब्लिक को, है ना, QIB को। प्रमोटर अगर QIB को शेयर्स बेच रहा है, क्यों? ताकि पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़ जाए। QIB है तो पब्लिक का ही पार्ट ना, ताकि पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़ जाए। उस केस में आपको SR पास करने की आवश्यकता नहीं है। अलॉटमेंट कितने दिन के अंदर होगा? 365 days के अंदर हो जाएगा, ठीक है। इक्विटी शेयर्स लिस्टेड ऑन सेम क्लास फॉर एटलीस्ट 1 year प्रायर टू SR, मतलब जब आप QIP लेके आ रहे हो उसके पहले 1 साल तक इक्विटी शेयर की लिस्टिंग होनी चाहिए। अभी आप QIP लेके आ रहे हो, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट लेके आ रहे हो, उसके पहले 1 साल तक आपके शेयर्स लिस्ट होने चाहिए। मतलब यू आर लिस्टेड कंपनी, 1 साल हो चुके हैं लिस्ट होके भी, ठीक है, और आप शेयर्स लेके आ रहे हो। फिर इश्यू प्रमोटर डायरेक्टर फिगरेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होने चाहिए। QIB शैल बी लिस्टेड, ऑब्वियसली बात है, लिस्ट करना पड़ेगा। नो सब्सिक्वेंट QIB अंटिल एक्सपायरी ऑफ 2 weeks फ्रॉम प्रायर QIB। एक बार QIB हुआ तो अगले 2 हफ्ते तक आप QIB नहीं लेके आ सकते। फिर बोला प्रमोटर मेंबर प्रमोटर ग्रुप में मेक ऑफर फॉर सेल टू अचीव मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन क्या बोला है? प्रमोटर ग्रुप शैल नॉट परचेज सेल एनी इक्विटी शेयर्स ड्यूरिंग 12 weeks प्रायर टू ओपनिंग ऑफ इशू एंड 12 weeks आफ्टर द क्लोजर ऑफ इशू। ये रिस्ट्रिक्शन क्या दिया है कि जब QIP आ रहा है उसके 12 हफ्ते पहले और 12 हफ्ते बाद कोई भी शेयर्स इशू, शेयर्स क्या नहीं करना है, ना बाई करना है ना सेल करना है। फिर बोला इशू ऑफ IDR, IDR मतलब इंडियन डिपॉजिट रिसीट। जब बाहर की कंपनी इंडिया से फंड रेज करिए, जब बाहर की कंपनी इंडिया से फंड रेज करिए उसको हम बोलते हैं इशू ऑफ IDR, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, करेक्ट है। तो सबसे पहले इश्यूर कंपनी क्या होनी चाहिए? लिस्टेड होनी चाहिए। कहाँ पे? होम कंट्री में। अगर अरे बाहर की कंपनी इंडिया में फंड रेज करिए तो उनको इज्जत होनी चाहिए ना, अरे उसको पहले तो वो होम कंट्री में लिस्ट होनी चाहिए एटलीस्ट 3 साल के लिए, फिर वो इंडिया से पैसा ले सकते हैं। फिर वो वहाँ उस कंट्री में प्रोहिबिटेड कैटेगरी में नहीं आना चाहिए, मतलब वहाँ के लोगों ने, वहाँ के रेगुलेटरी बॉडी ने, जैसे हमारे यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेटरी बॉडी, हमारे यहाँ पे सेबी इज द रेगुलेटरी बॉडी, तो वहाँ पे जो भी उनकी रेगुलेटरी बॉडी होगी उन्होंने उसको प्रोहिबिट नहीं किया है। उसका ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए ऑफ कंप्लायंसेस, वहाँ पे उन्होंने सारे कंप्लायंसेस किए, होम कंट्री में राजा बाबू हैं, वो राजा बाबू हैं। फिर फिगरेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होना चाहिए, फिगरेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होना चाहिए। इशू साइज एटलीस्ट कितने करोड़ का होना चाहिए? कम से कम हमसे 50 करोड़ तो लो, और एक ही डिनोमिनेटर में होना चाहिए, करेक्ट है। नेक्स्ट वन, अप्लाई टू 1 or more रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया फॉर इन प्रिंसिपल अप्रूवल। ऑब्वियस बात है, इंडिया से पैसा रेज करना है, इंडिया से फंड रेज करना है, तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा और डिपॉजिटी के साथ भी एग्रीमेंट करना पड़ेगा मित्रों। नेक्स्ट वन, IPO ऑफ SME, SME मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सबसे पहले स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का मतलब जिसका पोस्ट इशू कैपिटल, पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल जो है वो 10 करोड़ है, या फिर पोस्ट इशू फेस वैल्यू ऑफ कैपिटल मोर देन 10 करोड़ है बट अप टू 25 करोड़ है, वो भी पैसा SME में रेस कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी। तो SME मतलब स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी मतलब क्या, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज मतलब क्या, तो इशू आने के बाद उनका कैपिटल 10 करोड़ तक है, या फिर 10 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 25 करोड़ तक है, फिर उसमें कुछ एडिशनल कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। फिर बोला एडिक्वेट डिस्क्लोजर देना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी ड्यूली सर्टिफाइड बाय ऑडिटर, ओके, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आपको फॉलो करना है। जनरल कंडीशन क्या है? सबसे पहले इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना कहां से? SME एक्सचेंज से। SME मतलब स्मॉल एंड मीडियम एक्सचेंज से, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज स्टॉक एक्सचेंज से आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना है। डिपॉजिटी के साथ एग्रीमेंट करना है, पार्टली पेड अप शेयर्स और फुली पेड
में कन्वर्ट करना है, प्रमोटर होल्डिंग किसमें होनी चाहिए, डीमैट बोर्ड में होनी चाहिए, और 75% 25% मतलब मिनिमम 75% पैसा प्रोजेक्ट में लगाना है, 25% जनरल पर्पज में लगा सकते हो। फिर बोला इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म जो इनोवेशन, जो कंपनी इनोवेशन में बिलीव करती है, जो टेक्नोलॉजी कंपनी है, उन कंपनियों के लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया जिसका नाम है इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म। तो इश्यूअर किसमें होना चाहिए, कम ऑन एवरीबॉडी, इंटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स, इसमें एटलीस्ट 25% ऑफ प्री इशू कैपिटल शैल बी हेल्ड फॉर एटलीस्ट 2 ईयर बाई QIB। अब अगर आपको वहां पर लिस्ट होना है तो आपका जो प्री इशू कैपिटल है उसका 25% कौन होल्ड करेगा, QIB, वो भी 2 साल तक, QIB, फैमिली ट्रस्ट, मोर देन 500 नेटवर्क, एक्रीक्रेडिट इन्वेस्टर, एक्रीक्रेडिट इन्वेस्टर मतलब ऐसा इंडिविजुअल जिसका ग्रॉस टोटल इनकम 50 लाख है एंड नेटवर्थ 5 करोड़ है, या ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसका नेटवर्क 25 करोड़ है। एक्री क्रेडिट इन्वेस्टर जो है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है। अगर वो इंडिविजुअल है तो उसका ग्रॉस इनकम 50 लाख का है एंड नेटवर्थ 5 करोड़ का है, और बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसका नेटवर्थ 25 करोड़ का है, और एक्री क्रेडिट इन्वेस्टर जो है वो 10% मैक्सिमम 10% प्री इशू कैपिटल होल्ड कर सकता है। ठीक है सर। फिर बोला इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ अप टू व्हाट बेटा, $150 मिलियन, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एंड रेसिडेंट ऑफ अ पर्सन, रेसिडेंट मतलब एक नॉर्मल इंडिविजुअल, रेसिडेंट इन अ कंट्री हु इज अ मेंबर ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये समझ लीजिए, इस ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए काम करता है, और इस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग कंट्रीज मेंबर है, तो जो कंट्रीज इसके मेंबर है उसी के बंदे मतलब उसी के रेसिडेंट लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसमें पैसा डाल सकते हैं, मतलब ऐसी कंपनी में पैसा होल्ड कर सकते हैं। इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म एक बार वापस से करते हैं, राइट इशू से चालू करते हैं। राइट इशू में बताओ शेयर्स किसको दिए जाते हैं, राइट इशू में शेयर्स किसको दिए जा रहे हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर्स दिए जा रहे हैं, करेक्ट है। उसके लिए आपको रिकॉर्ड डेट डिसाइड करनी पड़ेगी। ओके सर, इशू साइज एटलीस्ट कितना होना चाहिए, इशू साइज एटलीस्ट 20 करोड़ का होगा तभी जाकर राइट इशू एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आपको ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट किसको फाइल करना है, सेबी को और स्टॉक एक्सचेंज को फाइल करते हुए चलना है। अच्छा, राइट इशू कब नहीं लेके आ सकते, जब आपके प्रमोटर क्या है, डिबार किए गए, या डायरेक्टर जो है Who is also a promoter, या डायरेक्टर ऑफ एनी अदर कंपनी जो हमारी कंपनी में डायरेक्टर है उसको डिबार किया हुआ है। एंड थर्ड वन, प्रमोटर डायरेक्टर क्या है, फिग्यूटिव ऑफेंडर है, फिग्यूटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है। क्या बेटा आपको, फिग्यूटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, यहाँ पे विलफुल डिफॉल्टर कवर नहीं किया, इस चीज को समझ लेना बेटा, यहाँ पे क्या कवर नहीं किया है, विलफुल डिफॉल्टर को कवर किया नहीं है, करेक्ट है। नेक्स्ट वन क्या बोला है, कंडीशन तो सेम है, विलफुल डिफॉल्टर अगर है, अगर इशूअर प्रमोटर विलफुल डिफॉल्टर है तो राइट इशू के यहाँ पे राइट इशू केस में प्रमोटर को जो शेयर्स मिलने वाले ना, प्रमोटर अगर विलफुल डिफॉल्टर है तो प्रमोटर को जो शेयर्स मिलने वाले हैं वो रिनाउंस नहीं कर सकता, रिनाउंस मतलब किसी और को नहीं दे सकता। और जो एसआर होल्डर है, एसआर होल्डर भी अपने शेयर्स किसी और को नहीं दे सकते जब तक वो शेयर्स कन्वर्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट वन प्रेफरेंशियल इशू, ये अगेन ICDR कब एप्लीकेबल होगा, जब लिस्टेड एंटिटी है, प्राइवेट प्लेसमेंट में आप शेयर्स दे रहे हो, ओके सर करेक्ट है, उस व्यक्ति को आप प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर्स नहीं दे सकते जिसने पिछले 6 महीने में शेयर्स बेचे हैं, करेक्ट है, ये प्रमोटर को एप्लीकेबल होगा। जिस व्यक्ति ने प्रमोटर को प्रमोट, जिस व्यक्ति ने वारंट को एक्सरसाइज नहीं किया मतलब वारंट के बदले में पैसे नहीं दिए, वो व्यक्ति प्राइवेट प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। कब तक, जब तक वो वारंट कन्वर्ट नहीं होते इक्विटी शेयर में, या वो वारंट कैंसिल नहीं होते, एक बार कन्वर्ट और कैंसिल हुआ जो भी हुआ उसके बाद 1 साल तक उनको शेयर हम नहीं दे सकते। नेक्स्ट वन, प्रमोटर डायरेक्टर इश्यूअर इज अ फिग्यूटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, ओके। कंडीशन क्या है, SR पास करना पड़ेगा, डीमैट फॉर्म में होल्डिंग होनी चाहिए, कंटिन्यूस लिस्टिंग, पैन नंबर वगैरह ले लेना। फिर बोला QIP क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, हम इसमें शेयर सिर्फ और सिर्फ किसको दे रहे हैं, QIB को शेयर दे रहे हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को शेयर दे रहे हैं, उसके लिए SR पास करना पड़ेगा, है ना। SR पास करने की जरूरत नहीं है, अगर ऑफर फॉर सेल आ रहा है, ऑफर फॉर सेल मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो शेयर्स किसको दे रहे हैं, QIP को दे रहे हैं, QIB को दे रहे हैं, ताकि प्रमोटर होल्डिंग कम हो जाए और पब्लिक होल्डिंग बढ़ जाए, 25% तक पहुंच जाए, तो SR पास करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अगर आपको QIP लाना है, अगर आपको क्या लेके आना है, QIP लेके आना है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट अगर आपको लेके आना है, तो उस केस में आपका एटलीस्ट क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड QIP लाने के लिए एटलीस्ट आपका मिनिमम 1 साल का क्या होना चाहिए, कहा गया ये रहा, एटलीस्ट आपका क्या होना चाहिए, 1 साल का प्रायर टू पासिंग ऑफ SR मतलब इक्विटी शेयर्स लिस्टेड होने चाहिए, सेम क्लास के QIB में जो शेयर्स बेच रहे हो वैसे ही शेयर्स 1 साल तक आपके लिस्टेड होने चाहिए SR के पहले। फिर इश्यूअर प्रमोटर फिग्यूटिव ऑफेंडर नहीं होने चाहिए, QIB जो शेयर्स आप लेके आ रहे हो उसको लिस्ट करवाना पड़ेगा। अच्छा, 2 वीक तक आप, 2 वीक्स तक आप, एक QIB आ गया तो अगले 2 हफ्ते तक नहीं ला सकते हो। रिस्ट्रिक्शन क्या दिया, प्रमोटर ग्रुप शैल नॉट बाय सेल और परचेस एनी सिक्योरिटीज ड्यूरिंग 12 वीक प्रायर टू ओपनिंग ऑफ इशू एंड 12 वीक क्लोजिंग ऑफ इशू। चल, IDR में शेयर्स किसको देते हैं बेटा, भारत के लोग शेयर्स देते हैं, लेकिन कौन सी कंपनी के,
भारत के अंदर डिपॉजिट रिसीट इशू होती है, लेकिन कौन सी कंपनी? इंडिया के बाहर की कंपनी। अगर इंडिया की बाहर की कंपनी भारत में इंडिया में फंड रेस करना चाहती है तो आईडीआर के थ्रू करती है, यस और नो? तो सबसे पहले कंडीशन क्या है कि वो बंदी, वो कंपनी जो है वो होम कंट्री में लिस्ट होनी चाहिए एटलीस्ट 3 साल के लिए। कंडीशन नंबर 2, वो प्रोहिबिटेड कैटेगरी में नहीं होनी चाहिए वहां के देश में। कंडीशन नंबर 3, उनका ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए सारे कंप्लायंसेस का। कंडीशन नंबर 4, वो फिगरेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 1, इशू साइज एटलीस्ट 50 करोड़ का होना चाहिए। कंडीशन नंबर 1 के डिनोमिनेशन में होना चाहिए। कंडीशन नंबर 5, आपको इंडिया में रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन लेना है, ठीक है, और एग्रीमेंट करना डिपॉजिटरी के साथ। फिर बोला एसएमई प्लेटफॉर्म में अगर आपको लिस्ट होना है तो बेटा आपका पोस्ट इशू कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 25 करोड़ तक है तो भी आप एसएमई में लिस्ट हो सकते हो, कुछ कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। आपने एडिक्वेट डिस्क्लोजर करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको फाइल करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्टिफाइड बाय ऑडिटर होना चाहिए और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना है, ठीक है। एसएमई के केस में भी आपको अप्रूवल लेना किससे? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल लेना, पार्टली पेड अप शेयर से, फुली पेड अप करो, डिपॉजिटरी के साथ एग्रीमेंट करो, 75% 25% वाली कंडीशन भी फॉलो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वन, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। चलिए, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें यार, तो वो ऐसी कंपनी है जो टेक्नोलॉजी को यूज करती है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, डेटा एनालिटिक्स वगैरह में है। तो वो कंपनी अपने अपने आप को कहाँ लिस्ट कर सकती है? इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म में लिस्ट कर सकती है। एटलीस्ट, अच्छा, वो कंपनी का एटलीस्ट 25% ऑफ प्री इशू कैपिटल शेल बी हेल्ड बाई सच पर्सन फॉलोइंग पर्सन फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स। 2 साल तक उन्होंने होल्ड करना चाहिए 25% प्री इशू कैपिटल। इशू लाने के पहले जो भी कैपिटल था वो 2 साल तक होल्ड करना चाहिए। किसने? QIB ने, फैमिली ट्रस्ट जिसका नेटवर्क 500 करोड़ से ज्यादा है, एग्रीग्रेडेड इन्वेस्टर की बात करेंगे हम लोग, इन्वेस्टमेंट फंड कितना $150 मिलियन, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एंड रेसिडेंट इन अ कंट्री हु इज अ मेंबर ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या बात है, एग्रीग्रेडेड इन्वेस्टर की अगर हम बात करें तो बेटा कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसका ग्रॉस इनकम कितना है एटलीस्ट 5 करोड़ का है एंड लिक्विड नेटवर्क कितना है ग्रॉस इनकम 50 लाख का है, लिक्विड नेटवर्क कितना है 5 करोड़ का है। अगर वो कोई बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसका नेटवर्क कितना होना चाहिए 25 करोड़ का होना चाहिए। मैक्सिमम होल्डिंग कितनी हो सकती है 10% ऑफ प्री इशू कैपिटल। अलॉटमेंट प्रोसीजर बताइए तो मिनिमम अलॉटीज कितनी होनी चाहिए? चलिए लास्ट पढ़ाओ में 10 मिनट में यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा रिविजन करके पूरा। बताइए सबसे पहले अलॉटमेंट की अगर हम बात करें तो मिनिमम अलॉटीज कितने होने चाहिए? 1000 होने चाहिए। आपको क्या करना है, अलॉटमेंट प्रोराटा बेसिस पे करनी है, लेकिन एंकर इन्वेस्टर और आरआई को छोड़ के आरआईआई रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को एक एक लॉट दे दो, पहले सबको एक एक लॉट दे दो अगर शेयर्स अवेलेबल है तो। अगर शेयर्स अवेलेबल है तो मिनिमम एक लॉट दे दो, उसके बाद जो बचेगा उसका एक्सेस एप्लीकेशन देंगे। हमने मेन लेक्चर में इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखे हुए। एम्प्लॉय को 2 लाख तक, 2 लाख से ज्यादा दे सकते हो, 5 लाख तक। फिर लास्ट पॉइंट इज नॉट फास्ट ट्रैक इशू। फास्ट ट्रैक इशू मतलब ऐसी कंपनी के लिए है जो प्रॉफिटेबल कंपनी, जो अच्छी कंपनी है, तो जिनको लंबी चौड़ी प्रोसीजर फॉलो ना करते हुए शॉर्टकट रूट से पब्लिक इशू लेके आ सकती है। कंडीशन नंबर 1, सबसे पहले आपको ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, मतलब फास्ट ट्रैक में बेनिफिट क्या है, तो आपको ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी के पास फाइल करने की जरूरत नहीं है। आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है ना 1%, वो भी रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर 1, इक्विटी शेयर लिस्टेड होने चाहिए कितने साल तक? 3 साल के। कंडीशन नंबर 2, एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन आपका कितना होना चाहिए बेटा? आपका एटलीस्ट 1000 करोड़ इन केस ऑफ पब्लिक इशू, वो भी पब्लिक शेयर होल्डर। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे काउंट ही नहीं करेंगे, प्रमोटर का मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं देखेंगे हम, पब्लिक का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे। मतलब उस कंपनी के शेयर्स पब्लिक के पास कितने होने चाहिए? 1000 करोड़ के, 1000 करोड़ के अगर पब्लिक इशू आ रहा है। और अगर कोई अदर इशू आ रहा है, मतलब राइट इशू आ रहा है, तो 250 करोड़ के होने चाहिए। एंटायर प्रमोटर होल्डिंग कितने, कौन से फॉर्म में होना चाहिए? डीमैट मोड में होना चाहिए। अब एनुअलाइज ट्रेडिंग टर्नओवर ड्यूरिंग 6 मंथ्स, पिछले 6 महीने में एनुअलाइज ट्रेडिंग टर्नओवर कितना होना चाहिए बेटा? 6 मंथ्स प्रायर टू द रेफरेंस डेट एटलीस्ट 2% ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। मतलब पिछले 6 महीने में ट्रेडिंग टर्नओवर, मतलब ट्रेडिंग होती है शेयर्स में, एटलीस्ट कितना? 2% ऑफ व्हाट बेटा? आपका वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, एटलीस्ट 2% जितना ट्रेडिंग होना चाहिए। ओके, डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग इन पास्ट 6 मंथ, पिछले 6 महीने में डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 10% ऑफ एनुलाइज ट्रेडिंग टर्नओवर, 10% डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग होनी चाहिए। फिर बोला है आपने 95% ऑफ द कंप्लेंट जो क्वार्टर है, जो प्रीसीडिंग क्वार्टर है, तब तक पिछले क्वार्टर तक अगर हम देखें तो 95% कंप्लेंट आपने सॉल्व कर दी है। तो अगर आपके पास 100 कंप्लेंट आई होगी तो 95 कंप्लेंट आप सॉल्व कर चुके हो। आपको कोई भी शोकॉज नोटिस किसने नहीं दिया? ना तो सेबी ने दिया, ना इशूर सेबी ने कोई भी शोकॉज नोटिस नहीं दिया है, ना ही इशूअर को, ना ही प्रमोटर को, ना ही डायरेक्टर को। आपने कोई भी सिक्योरिटी लॉ का वायोलेशन नहीं किया है, कोई भी शेयर्स का आपने वायोलेशन नहीं किया पिछले 3 साल में। आपका ट्रेडिंग सस्पेंशन भी नहीं हुआ पिछले 3 साल में। एंड ऑडिटर क्वालिफिकेशन डज नॉट एक्सीड 5%, मतलब ऑडिटर क्वालिफिकेशन का मतलब आज आप एज पर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट, एज पर ऑडिटर के बाद में, ऑडिट करने के बाद में बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉफिट और लॉस में ज्यादा डिफरेंस आना नहीं चाहिए। मैक्सिमम 5% का डिफरेंस हो सकता है। आज आपने प्रॉफिट निकाला 100 रुपए का और ऑडिटर ने ऑडिट करने के बाद में प्रॉफिट कैलकुलेट किया 150 रुपए का, इतना डिफरेंस नहीं हो सकता, 5% जितना डिफरेंस चल जाएगा। चलिए यहां तक डन है। फिर आपको पोस्ट इशू रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला है, तो इशू होने के बाद लीड मर्चेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मॉनिटर द रेड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवियंसेस। डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग मतलब इक्विटी शेयर्स की ट्रेडिंग बेटा,
टी प्लस टू ट्रांजेक्शन प्लस टू डेज में जो शेयर्स मिलते हैं। पोस्ट इशू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नीड मैनेजर, मतलब इशू होने के बाद मैनेजर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसने इन्वेस्टर के जो भी ग्रीवेंसेस है उसको ख्याल रखना है। लिस्ट होने के बाद में आपको अलॉटमेंट का ध्यान रखना है, जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ उनको रिफंड देते हुए चलना है, करेक्ट ना देखा। और कोई भी अगर कंपनी गलत काम करती है या इंटरमीडिएट गलत काम करती है तो सेबी को रिपोर्ट करते हुए चलना है। दिस इज ऑल अबाउट द ICDR, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर, एंड बिलीव मी गाइस हमने बहुत ही क्विक में 1 hour 30 minutes के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर हमने ये चैप्टर को पूरा क्या कर दिया है, रिवाइज कर दिया है। बिलीव मी, आप एक बार खुद से इस चैप्टर को फिर से एक बार पढ़िएगा, फिर से एक बार पढ़ोगे ना, खुद से एक बार पढ़ोगे ना, दो बार और रिविजन करिएगा, ये चैप्टर एकदम जोरदार तरीके से आपका हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर द लव, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना यार, इतनी शिद्दत के साथ आप लोगों ने पढ़ा है और इतनी शिद्दत के साथ मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नए जोश और नए जुनून के साथ, तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए उन एकेडमी परफॉर्मेंस। गए नहीं क्या अभी तक आप? बाय।